हाय एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं सारे बच्चे? यस, हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे. आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. आई होप कि आपके बाकी सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम्स. एंड कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहा है तो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए मैं होप करती हूँ कि तुम्हारे मॉक टेस्ट बहुत अच्छे जा रहे होंगे. एंड बच्चों, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा सेशन. आज का हमारा सेशन है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. देखिए, ये पूरा हमारा कंप्लीट क्लास 12th का बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने ये फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज को बहुत अच्छे से देखा है. इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है. एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. प्लीज मेक श्योर कि आप फास्ट ट्रैक रिविजन कर रहे हैं हर एक चैप्टर का. ओके, सो आज की वीडियो बेटा हमारी है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. और ये है बेटा लास्ट वीडियो हमारी, ठीक है? लास्ट वीडियो है क्लास 12th बायोलॉजी की बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब हमारा हो चुका है सिलेबस बिल्कुल खत्म. ठीक है जी. तो जो बच्चे पहली बार आए इस चैनल पे, मेरा नाम एकता सोनी एंड वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल. मैं पढ़ाती हूँ आपको बायो. ओके जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले कि अपनी एनसीईआरटी खोल कर बैठना. दूसरी चीज, अगर तुमको नोट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ट्रेजर बॉक्स नाम से एक लिंक दिखाई देगी, जहां पर आपको सारे के सारे नोट्स, यू नो, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको सारे नोट्स मिल रहे होंगे. एंड प्लीज उनको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. 2024 नीट के लिए क्रैश कोर्स आपको लेना है तो 26 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये. तो प्लीज मेक श्योर कि आप 26 यू नो ये मॉक टेस्ट में आप एनरोल कर रहे हैं. अगर आप 2024 नीट लिखने वाले हैं और आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, मॉक टेस्ट आपको इनफ नहीं मिल रहे हैं, 23 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं. 15 पार्ट वाइज मॉक टेस्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं विथ कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन. आपका वीक एरिया कहाँ है, कैसे उसको सुधारना है, सब कुछ, राइट? जस्ट ₹4000. प्लीज मेक श्योर कि आप इसको कर रहे हैं. एंड साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ड्रॉप लेना चाहते हैं, एक साल ड्रॉप लेकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ड्रॉप ईयर के लिए दे आर सर्चिंग फॉर अ गुड ऑफलाइन इंस्टीट्यूट. तो मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि वो IVSAT लिख सकते हैं. वेदांतु के लर्निंग सेंटर्स हर एक जगह पर आपको इंडिया में, मतलब अलग अलग जगह पर दिख जाएंगे, आपके नियर बाई सिटीज में आप जाकर देख सकते हैं. तो ये IVSAT आप दोगे तो इससे फायदा क्या होगा, वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर में 70% तक की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपके मार्क्स और परसेंटेज के बेसिस के ऊपर. ओके, एंड साथ में IVSAT देने, IVSAT आप कहाँ से दे सकते हो, ये है स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट. तो ये आप अपने घर बैठे भी दे सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर में आकर देना चाहे, कोई नियर बाय सेंटर है वहां पर देना चाहे तो वहां पर भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, राइट? एंड एक्सपर्ट्स के साथ में यहां पर अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आके पेपर देते हैं तो एक्सपर्ट के साथ में 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी आपका रखा जाएगा. तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये देख सकते हैं आप, इंडिया में अलग अलग कंट्रीज में, सॉरी, इंडिया में, हमारी कंट्री में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पर आपको दिख जाएंगे कि हमारे सेंटर्स हैं, राइट? तो आप जा सकते हैं. हाँ जी, केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया पहले तो मुझे ये बता दो. यस, उसके बाद अपन ये वाला स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. यस बच्चों, कैसा गया पेपर भाई? ठीक था? चलिए, बहुत बढ़िया. तो काफी बच्चे बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो गए थे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से एज इट इज हमारा पेपर आ गया था. तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ से सीखने की चीज़ ये है कि CBSE अपने पेपर्स इतने ज़्यादा टफ भी नहीं बनाता है जितना तुम हवा बना लेते हो दिमाग में. अब फिजिक्स का पेपर नेक्स्ट है तो तुम्हारा वो भी ईजी आने वाला है, और उसके बाद भी तुम्हारा बायो का पेपर होगा तो वो भी तो और भी ईजी आएगा. मतलब अगर आपने मेरी प्ले लिस्ट भी रेकमेंड करी, बस इससे ज़्यादा आपको, इस प्ले लिस्ट से ज़्यादा आपको कुछ चाहिए ही नहीं बायो की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कंप्लीटली NCERT बेस्ड एंड NCERT का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन सबका निचोड़ मैंने इस प्ले लिस्ट में निकाल दिया है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस प्ले लिस्ट को जितना हो सकता है उतना देखें एंड बार बार इसको शेयर करके सारे फ्रेंड्स के साथ में. ओके, हाँ जी, लेंदी था, टफ था, कोई बात नहीं बेटा. अब नेक्स्ट पेपर पे फोकस करते हैं. कुछ बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इजी लगा है उन्हें, कुछ बच्चों को लेंदी लगा है. इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई बात नहीं. फिजिक्स के पेपर में हम थोड़ा सा कर लेंगे,
बेस्ट दे देंगे अपना। एंड बायो में तो जैसे हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है तो हम स्कोरिंग बना ही लेंगे इसको, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अपन पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर भी, क्योंकि ये वाला चैप्टर और इससे पहले वाला चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी वाला था, मैंने कंप्लीटली आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ही पढ़ाया ताकि आप और ज्यादा रिलेट कर पाए और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता सकूँ कि बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। ओके जी, तो सबसे पहले बेटा जी स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना। देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि हम आरडीएनए कैसे फॉर्म कर रहे हैं, राइट। मैंने वहां पर क्या बनाया था, आरडीएनए बनाया था। अब ये देखना कि ये जो बना हुआ आरडीएनए है इसका इस्तेमाल मैं कहाँ करती हूँ, कैसे करती हूँ। हमने लास्ट में ये भी देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो आरडीएनए होता है उसकी हेल्प से अपन हमारा जो मनचाहा प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो हम निकाल रहे थे, राइट। वो डिजायर्ड प्रोडक्ट हम आरडीएनए की हेल्प से निकाल तो रहे थे, लेकिन फिर भी बायोटेक्नोलॉजी और हमारे कौन कौन से यू नो एरियाज हैं, कौन सी लाइक एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिनल एरियाज हो गए, इन एरियाज में हमारी बायोटेक्नोलॉजी कहाँ तो हमें यूज आ रही है, किस तरीके से हमें यूज आ रही है, और मतलब क्या तरीके और हो सकते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करें, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस के ऊपर चलते हैं कि टेक्निक तो समझ ली कि क्या होता है, बट इसको काम कहाँ ले सकते हैं, यूज कहाँ ले सकते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे इस चैप्टर में। देखिए बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन फॉर बायो फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। देखिए लास्ट के लेक्चर में देखो हमने क्या किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स GMO हम किसको कहते हैं बेटा जी, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लिया, सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर मैंने अपना मन चाहा DNA डाला था, मन चाहा, जैसे कि ये प्लाज्मिड था जो कि एक वैक्टर की तरह बिहेव कर रहा था, इसमें बेटा मेरे डिजायर्ड जीन जो थी वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी थी। तो डिजायर्ड जीन प्लस प्लाज्मिड जो था, इन दोनों को अगर अपन मिला लें तो बेटा हमारा क्या बन गया था, रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया था। अब इस रिकॉम्बिनेंट DNA को जो मैंने इस ऑर्गेनिज्म में डाल दिया तो ये ऑर्गेनिज्म को मैंने मॉडिफाई कर दिया, राइट। इसके मेन DNA को हटाकर मैंने इसमें ये वाला DNA डाल दिया तो मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरोपेटिक, बताओ क्या है ये, है ना, थेरोपेटिक्स एंड साथ साथ में डायग्नोस्टिक्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सबसे ज्यादा तो फार्मास्यूटिकल में मेडिसिनल पर्पज से काफी यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल पर्पज से कैसे, कि अगर किसी को इंसुलिन चाहिए, जैसे हमने इंसुलिन का एग्जांपल बहुत लिया है, इंसुलिन तो एक बहुत ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री में, इतने सारे लोग हैं, आप इंडिया में देखेंगे सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी एक यू नो डायबिटीज है जो लोगों को होती होती है, हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट जरूर मिलता आपको, तो उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है भर भर के। तो इंसुलिन हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स में है नहीं कि हमारी मेडिसिनल पर्पज से, तो हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खूब अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम बेटा हमारे क्रॉप्स के ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर पार्ट भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्रॉप्स हमारे पास में ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमारे बेटर रिजल्ट्स देकर जाएं, जो हमें चीज चाहिए है वो हमें हमारी क्रॉप से मिल पाए और हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा बेटा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे पास में किसी रिसोर्सेज की कमी होगी या लोगों का पेट नहीं भरेगा या लोग मर जाएंगे उस वजह से, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हमें क्रॉप्स बहुत अच्छी क्वालिटी की करनी चाहिए एंड उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है जी। प्रोसेस्ड फूड का, प्रोसेस्ड फूड को बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायो रिमेडिएशन करने के लिए कर रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कर ले, मतलब व्हाट नॉट, बहुत सारे तरीके जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली किस चीज पे काम करता है, तीन रिसर्च एरियाज हैं, तीन चीजों पे रिसर्च करता है बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। देखिए जनरली हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, चाहे फिर वो हमारे लैबोरेटरी में हो, चाहे फिर वो हम लार्ज स्केल पे करवाएं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि वो रिएक्शन फास्ट हो पाए। उस कैटलिस्ट के लिए हम यहाँ पर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दैट मींस कि मैं बायोलॉजिकल यू नो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, जो कि इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स है, जो पहले थे वो इतने इंप्रूव नहीं थे, लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया कुछ इस तरीके से जैसा मैं चाहती हूँ उनको, मैंने वैसे कर दिया, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स कर दिए, तो ये मेरे को बहुत हेल्प करेंगे अपनी यू नो एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करके, ठीक है। तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। नंबर टू कहाँ पे चल रही है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू
इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट. भाई ये बैक्टीरिया जो है ये अपना प्रोडक्ट कैसे देगा, इस बैक्टीरिया के अंदर मेरा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है राइट, तो इस बैक्टीरिया से मैं चाहती हूँ कि मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट बने. कि मान लो ये इंसुलिन का जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि ये बैक्टीरिया मुझे क्या प्रोड्यूस करके दे, खूब सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करके दे, क्योंकि मैंने जीन इसमें वही डाला हुआ है. तो इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए ये बैक्टीरिया को ऐसी कंडीशंस भी तो देनी पड़ेगी ना, ऑप्टिमम कंडीशन, ताकि वो ग्रो कर पाए. जितना अच्छे से वो ग्रो कर पाएगा उतना ही अच्छे से वो एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट की तरह, और उतनी अच्छे से मेरा काम भी होता रहेगा. ठीक है, फिर होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो कि प्योरिफिकेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो जो भी हमने बनाया होगा, लेट्स सपोज मैंने इंसुलिन बनाया, तो इंसुलिन का प्योरिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में. हमने कल भी किया था कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, दो स्टेप्स आते हैं, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन. तो मुझे सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट बन गया तो उसका. ठीक है, तो पहले तो बेटा पहला स्टेप कौन सा होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है उनको एज अ हम कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर, मतलब इनको यूज कर रहे हैं, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स को एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं. नंबर टू, इनको एक ऑप्टिमम कंडीशंस दे रहे हैं, चाहे वो पीएच की फॉर्म में हो, चाहे वो टेम्परेचर की फॉर्म में हो. नंबर थ्री, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के ऊपर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब कि हमने इसको पूरा मीडियम प्रोवाइड कर दिया है, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कर दी हैं. अब प्रोवाइड करने के बाद में ये बैक्टीरिया मुझे क्या चीज़ निकाल के दे रहा है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का निकल रहा है, क्या ये प्रोडक्ट जो होगा बेटा इसको मैं सेपरेट करने में, प्योरीफाई करने में सक्षम हूँ कि नहीं. तो इसको अच्छे से सेपरेट और प्योरीफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा. तो तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे. लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ. देखो, बायोटेक्नोलॉजी का जो मेजॉरिटी यूज किया गया है वो फूड प्रोडक्शन में, यानी कि क्रॉप मैनेजमेंट वगैरह इनमें, एंड साथ साथ में ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन हेल्थ होती है. जैसे मैंने बताया फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल एरियाज में, राइट. तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, फूड प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया है, क्योंकि ये दो ही मेजर चीजें हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. लोग बीमार बहुत हो रहे हैं, बीमार भी इसलिए हो रहे हैं कई लोग जिनको माल न्यूट्रिशन हो रहा है, खाना भी अच्छा से नहीं मिल रहा है या खाना क्वालिटी का नहीं मिल रहा. तो क्वालिटी इनमें लाने के लिए, लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन लाइफ में क्वालिटी डालने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है. तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम कौन से एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, देखिए लेट अस टेक अ लुक एट थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. भाई ऐसे कौन से ऑप्शंस है जिसकी हेल्प से मैं फूड को प्रोड्यूस कर सकती हूँ. तो मेरे पास है बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा दो ही पर्पस से मैंने यहाँ पर यूज करनी है. एक होगा फूड प्रोडक्शन, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूँ, फूड का प्रोडक्शन कर लूँ. एंड नंबर टू होगा मैं हेल्थ के ऊपर ध्यान दूंगी, यानी कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम ठीक कर रहे होंगे. यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन भी यहाँ पर करेंगे, एक बीमारी होती है एडीए नाम की, वो भी हम यहाँ पर सही कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो बेसिकली सबसे पहले हम फूड प्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे, देन अपन हेल्थ के ऊपर मूव करेंगे. देखिए बेटा, फूड प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्या है, फूड प्रोडक्शन को कैसे सुधारा गया है. सबसे पहला हमारे पास में एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यहाँ पर किया गया है, राइट. हमने कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स का इस्तेमाल किया है एग्रीकल्चर करने के लिए. ऑर्गेनिक कल्चर का इस्तेमाल किया गया है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब होता है भाई कि हम ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का भी इस्तेमाल नहीं करें जिससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाए. तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है बिल्कुल नेचुरली, नेचुरली मैंने एग्रीकल्चर किया है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया. जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, कि भाई मैंने ऐसा एग्रीकल्चर भी किया जहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को यूज़ कर रही हूँ. दैट मीन्स कि मान लो एक पौधा था, ये पौधा जो है बेटा प्रोडक्शन तो बहुत दे रहा है ना, प्रोडक्शन तो बहुत दे रहा है, मतलब इसमें क्वान्टिटी तो बहुत ज़्यादा है, बट इसकी क्वालिटी जो है एकदम वाहियात है, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही वाहियात है. लेकिन बेटा मेरे पास में एक और ऐसा पौधा है जो कि सेम ही प्रोडक्ट मुझे दे रहा है लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है बेटा बहुत कम होती है लेकिन जो क्वालिटी आती है, ओ माय गॉड, लुकिंग लाइक अ वाओ 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 वाली सिचुएशन आ जाती है. क्वालिटी इज सुपर नाइस बट प्रोडक्शन इज वेरी लेस. देन उस केस में मैं क्या करती हूँ, दिमाग लगाती हूँ, कहती हूँ कि भाई ठीक है प्रोडक्शन लेस है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये चाहिए कि जो क्वालिटी है ना वो मैं इसमें डाल दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है, बस मुझे क्वालिटी चाहिए यहाँ पर. तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस पौधे से क्वालिटी वाला जीन उठाऊंगी और वो जीन उठा के इसमें ट्रांसफर कर दूंगी. ये जीन बेटा मैंने जैसे ही ट्रांसफर किया, ये जीन कौन सा है, क्वालिटी वाला, जो यहाँ पर क्वालिटी भी देगा. क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी है बट क्वालिटी मेरे पास नहीं थी. तो ऐसे मैंने अपने पौधे को, इस वाले पौधे को क्या कर दिया,
जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर दी बेसिकली यहाँ पर, कि जीन को एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर कर दिया है, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स। ठीक है, तो ये तीन चीजों से मैं अपने फूड प्रोडक्शन को अच्छा कर रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन अ ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना। तो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर बेटा देखिए, आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, हरित क्रांति जब आई थी, तो उस टाइम पर हमारा जो फूड प्रोडक्शन था या फूड सप्लाई जो थी वो तीन गुना बढ़ तो गई थी, लेकिन फिर भी हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में वहां पे काम नहीं आ पाया। इंक्रीज्ड यील्ड हैव पार्शली यू नो बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज हम यूज कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्यों इतना ज्यादा भाई प्रोडक्टिविटी हमारे पास आ रही थी, क्यों हम इतना तीन गुना ज्यादा यहाँ पर फूड सप्लाई कर पा रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। तो यहाँ पे रीजन हो सकते हैं, पहला कि हमने इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज का इस्तेमाल करा था, एक अच्छी क्रॉप वेराइटी का इस्तेमाल करा था, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जब हमने फसलों को उगा तो लिया, वो होता है ना कि आपने नीट की तैयारी तो स्टार्ट कर दी, आपने एग्जाम के लिए पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टार्ट तो हर कोई करता है, स्टार्ट तुमने कर दी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर दी तुमने, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, हर दिन हर रात घिसे जा रहे हो काम करे जा रहे हो, वो काम सबसे नहीं होता है, और जिससे होता है वही अपने कॉलेज तक पहुंचता है, और जिससे नहीं होता है वो बस एक दिन शुरू करता है, दो दिन शुरू करता है, एकदम से जोश में रहता है, लेकिन बाद में उसका जोश डल पड़ जाता है, लेकिन हमें उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, राइट। हर दिन आपको घिसना पड़ेगा, हर दिन तपना पड़ेगा, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर बेटा वो मिलती है एम्स। वो एम्स है, ऐसे हर किसी की बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ अपन को क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब हमारा मैनेजमेंट तो टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ कौन सा मैनेजमेंट है कि अगर मैंने एक फसल को उगाना चाहा, मैं बीज डालूंगी, मैं उगाना चाहूंगी, तो मैं बेसिकली उसका पूरा ध्यान रखूंगी कि उसमें पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा रेगुलर बेसिस पे, है ना। शुरू शुरू में पौधा लाते सबको बहुत शौक चढ़ता है पानी डालने का, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं कि पौधा भी हमारे घर में, पानी वानी डालना सब भूल जाते हैं। तो बेसिकली उसका पूरा प्रॉपर तरीके से मैं उसको मैनेजमेंट कर रही हूँ, प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। भाई देखिए, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से इतना ज्यादा फूड सप्लाई क्यों हो पाया, पहला इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, क्रॉप हमने बहुत अच्छी यूज करी थी क्वालिटी में, एंड नंबर टू हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छा रखा था, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हमने क्रॉप को बहुत अच्छे से मैनेज किया था। नंबर तीन चीज यहाँ पर हमने बेटा जी क्या इस्तेमाल किए थे, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, एग्रोकेमिकल्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की। आपको पता है फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज करेंगे तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स बचाएंगे सॉइल में न्यूट्रिएंट जाएंगे तो प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से 3 times हमारा फूड सप्लाई कर लिया था। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। सिंपल सी बात है, ये जो आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स खरीदते हो ये कितने एक्सपेंसिव होते हैं, मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। भाई देखो, सिंपल सी बात है कि अगर तुम ये एग्रोकेमिकल्स यूज करते हो तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर मान लो तुम अगर फिर भी अपना यील्ड बढ़ाना चाहते हो, है ना, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाना चाहते हो विद एग्जिस्टिंग वैरायटी की, मान लो तुम्हारे पास जो भी क्रॉप है उस क्रॉप से ही तुम मैक्सिमम निकालना चाहो, तुम पैसे नहीं खर्च करना चाहो, है ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं कि तुम फर्टिलाइजर्स लाओ, पेस्टिसाइड्स लाओ, ये केमिकल्स खरीदो और इनकी हेल्प से तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है कि तुमने अगर एक प्लांट को कर रखा है, वो क्रॉप तुम्हारे पास है, तो जो क्रॉप तुम्हारे पास ओरिजिनल है उसी में से तुम मैक्सिमम आउटपुट निकालो ना, है ना। तो वहां पर तुम पैसे नहीं लगाना चाहते, तो वहां पर तुम क्या कर सकते हो, वहां पर तुम ब्रीडिंग प्रोसेस यूज कर सकते हो, कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो पहले के टाइम पर हुआ करती थी, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, राइट। कि मैंने जैसे कि इसमें देखा कि इसका प्रोडक्शन बहुत कम है, मतलब क्वांटिटी बहुत कम है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्वालिटी बहुत कम है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, तो अभी तो मैंने आपको दिखाया कि जीन ट्रांसफर हो गया, तो ये जितना दिखने में इजी हो रहा है उतना दिखने में है नहीं, तो बेसिकली अभी तो हमने चलो जीन ट्रांसफर कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जीन ट्रांसफर आज के जमाने में कर सकते हैं, इससे जीन निकाला, वेक्टर का इस्तेमाल करा, जीन उस वेक्टर में ऐड करके और यहाँ पर इस पौधे में डाल दिया, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा बना दिया, ये तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, तब क्या करते थे, तब करते थे बेटा इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग, इन दोनों का हम क्या कराते थे, रिप्रोडक्शन करवाते थे, ब्रीडिंग करवाते थे, और उसको बोलते थे ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, और इन ट्रेडिशनल ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हुए बेटा जी हम क्या करते थे, एक बेटर जो हमारी
प्रोडक्ट आता था, बेटर क्रॉप आती थी, उसका इस्तेमाल करते हुए हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे. ठीक है, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट वी कैन दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर्स मे ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड्स. आपको क्या लगता है, क्या इस ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के अलावा या फिर हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स छिड़के एग्रोकेमिकल्स के अलावा, इन दो तरीकों के अलावा क्या आपको लगता है कि कोई और भी हमारे पास तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम हमारी यील्ड बढ़ा सकते हैं? Is there a way to minimize the use of fertilizers? क्योंकि देखिए chemicals तो chemicals होते हैं ना, अंत में वो तुम्हें चाहे तुम्हें एकदम instant खुशी देंगे. जैसे कि क्या होता है ना कि आप phone देखते हैं, short scroll करते हैं, आप videos देखते हैं, motivational video, तो वो आपको शुरू शुरू में बहुत ज्यादा dopamine release देता है. आपको लगता है भाई सब कुछ possible है, सब कर लूंगा मैं. लेकिन जब करने की बारी आती है तब जोश डाउन पड़ जाता है, तब हम नहीं कर पाते हैं. वाई? क्योंकि हमारे पास में वो चीज है नहीं ना. आपको इंस्टेंटली कोई चीज मिल रही है, इंस्टेंट आपको खुशी मिली थी उससे, तो आपको लगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन आपने कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करी. और जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी तब तक कैसे आपको कॉलेज मिल जाएगा, कैसे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कैसे आप उन बच्चों के अंदर आ जाएंगे जो बच्चे अपनी ड्रीम कॉलेज तक पहुंच रहे हैं. सिंपल सी बात है. तो ये भी जो यहाँ पर है कि अगर भाई अगर आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक बार के लिए तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में जो आपकी जो केमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से जो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा उसका क्या? ठीक है, तो हमने केमिकल्स का इस्तेमाल करा है, हमने ये ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड भी यूज करे हैं. इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज हो सकती है? यहाँ पर आती है बेटा आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. क्योंकि हम यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, फूड प्रोडक्शन में तो क्रॉप की बात करेंगे, तो यहाँ पर बेटा हम क्रॉप की बात करते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तब हमारे फ्रेम में आती है, तब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात कर रहे होते हैं. अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमें बनानी कैसे चाहिए और कैसी होती है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अकॉर्डिंग टू यू, तो मैं क्या बताऊंगी? देखिए, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल्स हुज जीन हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. सिंपल सी बात है कि भाई GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया, नाम में दिख रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब मैंने इसके जीन को ऑल्टर कर दिया है. जो जीन मुझे चाहिए था मैंने इसमें डिजायर्ड जीन डाल दिया है. कि मान लो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो मुझे अनडिजायर्ड जीन था उसको उठा के फेंक दिया, और जो मुझे चाहिए था जीन मैंने बेटा उसके अंदर ये चाहिए जीन जो चाहिए था वो डाल दिया है. ठीक है, किसकी हेल्प से? वेक्टर की हेल्प से. तो इस वेक्टर के अंदर मैंने ऐड करके मैंने ये वाला जो जीन जो था डिजायर्ड जो जीन था मैंने इस वेक्टर के हेल्प से यहाँ पर डाल दिया है. ये हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ऐसे ही प्लांट होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, एनिमल सेल होती है, सब में हम कर सकते हैं, राइट? एंड जीएम प्लांट्स, जो हमारे पास में जीएम प्लांट्स होते हैं, ये तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जेनेटिकली मॉडिफाइड ये चारों होते हैं, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल. बट हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? फूड प्रोडक्शन मतलब क्रॉप्स की बात कर रहे हैं. तो जो जीएम प्लांट्स होते हैं दे हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, अलग अलग तरीकों से हम इसको यूजफुल कर सकते हैं. एंड जेनेटिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज, देखिए अगर मैं एक प्लांट के अंदर कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, है ना, उसको मॉडिफाई कर रही हूँ, तो उस प्लांट में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी आ जाएंगी? जैसे मैंने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, थोड़ा भी मॉडिफाई किया, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी आएगी? पहली क्वालिटी, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस. देखिए भाई, पहले हमारी जो मतलब अगर मैं इसको जेनेटिकली मॉडिफाई ना करूं इस प्लांट को, तो ये प्लांट इतने स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाएगा. जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, जैसे कि हमारी बहुत ज्यादा सूखा पड़ना, ठंड बहुत ज्यादा पड़ना, है ना, बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज होना या बहुत ज्यादा हीट उनको मिलना, इन सब चीजों की वजह से वो सहन नहीं कर पाते उन एबायोटिक फैक्टर्स को. तो ये एबायोटिक फैक्टर को सहन करने की क्षमता में इसमें डाल दूंगी, पहला काम तो ये. दूसरा, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. भाई अगर मान लो, देखिए दो बच्चे हैं, दो बच्चों का नाम लेते हैं. पहला एक बच्चा हम लेते हैं तिलोक और एक लेते हैं अंकुश. ठीक है, अंकुश एंड तिलोक. ओके, ये अंकुश है और ये तिलोक है. मैंने क्या करा, एक अंकुश जो है ना वो ऐसा बच्चा है कि इसकी बॉडी में मतलब इसको फटाफट इन्फेक्शन होते रहते हैं, मतलब आए दिन इसको जुखाम लगी रहती है, आए दिन इसको कोई ना कोई बीमारी होती रहती है. मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो डोंट गेट ऑफेंड. ओके, तो इसको कोई ना कोई बीमारी होती रहती है आए दिन. तो क्या होगा, ये क्या करेगा भाई, ये अंकुश क्या करेगा, टैबलेट खाएगा, बाहर से टैबलेट खाएगा. ठीक है, टैबलेट खाएगा, ठीक हो जाएगा. इसकी बॉडी ने इसके वायरस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश नहीं करी, इसने क्या करा, बाहर से टैबलेट खाई, बाहर से एंटीबायोटिक्स खाए, तब जाके ठीक हुआ. अभी ये जो तिलोक बच्चा है ये क्या करता है, इसकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस आता है अटैक करने के लिए, और इसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि इसका बैक्टीरिया वायरस से पाला
तुरंत ही उसको मार देता है, खत्म कर देता है वहीं पे। तो इसको टैबलेट्स खाने की जरूरत नहीं, बाहर से कोई जरूरत नहीं है उसको कोई भी चीज करने की। तो इसकी खुद की इम्यूनिटी ही इतनी स्ट्रांग है कि इसको बीमारी हुई ही नहीं। सेम गोज विद माई प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेरे पास दो तरीके के प्लांट्स होते हैं कि भाई मेरे पास एक तरीके के ऐसे प्लांट है जिसको बीमारी होती रहती है, मैं इसको बीमारी से बचाने के लिए कीड़े होते हैं, फिर कोई भी ऐसा होता है, इस पे पैरासाइट हो गया, कुछ भी हो गया, इसको कोई भी इन्फेक्शन होगा मेरे प्लांट को, तो मैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करूंगी, मैं इस पे इंसेक्ट सॉरी पेस्टिसाइड्स डालूंगी। पेस्टिसाइड्स डालने का मतलब हो जाएगा कि भाई मैं कोई भी पेस्ट आएगा, यानी कि कोई पैथोजन आएगा जिसको बीमार करेगा, वो जैसे मैं इसके ऊपर वो छिड़कूंगी तो उस केमिकल की हेल्प से वो मर जाएगा पेस्ट, इसको बीमार नहीं कर पाएगा। लेकिन उस केमिकल ने उस पेस्ट को तो मार दिया, लेकिन उस केमिकल का कितना बुरा असर हमारे इस प्लांट के ऊपर पड़ चुका है, अब इसकी प्रोडक्टिविटी वहीं पर कम आने लग जाएगी। लेकिन दूसरी वही बात, अगर मैं ये प्लांट की बात करूं जिसको मैंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, मैंने इसमें जीन ऑल्टर कर दिया है, ऐसा जीन ऑल्टर करा है, मान लेते इसमें जो जीन था एक ऐसा जीन था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां इसको हो रही थी, और उस बीमारी की वजह से हमने इसको बचाना चाहा तो पेस्टिसाइड्स हमने इसके ऊपर छिड़के। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जीन को ऑल्टर कर देती हूँ। जीन को ऑल्टर करने का मतलब है, जीन की जगह पे मैं कोई ऐसा जीन डाल देती हूँ जो मुझे डिजायर्ड है, मैं ऐसा जीन ऑल्टर कर देती हूँ यहाँ पर। और जीन ऑल्टर करने की वजह से इसमें क्या हुआ कि अब की बार इसको बीमारी तो करने वाला पेस्ट तो आएगा, लेकिन ये बीमार नहीं कर पाएगा इस प्लांट को। क्यों? क्योंकि इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्लांट जो है मैंने रेजिस्टेंट बना दिया है, पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया है। और रेजिस्टेंट प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं भाई, इनको तुम छू कर तो दिखाओ। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो होते बेटा, ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रही हूँ, इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी पेस्ट आएगा इसको बीमार करेगा, कुछ नहीं होगा। तो पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। तो पहला तो पेस्ट, अब देखो सिंपल सी बात है, प्लांट खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट है कि इसके ऊपर कोई, इसके पास कोई आ ही नहीं सकता बीमार करने के लिए, तो क्या इसकी रिलायंस ये डिपेंड रहेगा पेस्टिसाइड्स के ऊपर? नहीं रहेगा, राइट। तो पहला तो हमारा जाएगा ये एबायोटिक स्ट्रेस को झेलने में बिल्कुल केपेबल हो, दूसरा केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि ये खुद ही रेजिस्टेंट है, इसको बीमारी फैलाने वाले इसके पास आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा हमारे पास हो जाता है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। भाई जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, क्रॉप को उगाने के बाद जब क्रॉप को काटने की बारी आती है, हार्वेस्टिंग करने की बारी आती है, तो हार्वेस्टिंग करने के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे नुकसान होते हैं। वो नुकसान से बचाने के लिए भी बेटा हम क्या करते हैं, जनरल तो ऐसे बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं इसको तो हमारे पास नुकसान भी बहुत कम होते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्टन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए ये अब प्लांट जो होगा, पहले ये जो प्लांट था नॉर्मल प्लांट जिसमें हमने मॉडिफाई नहीं किया उस प्लांट को, ये प्लांट को जिस मिट्टी में मैंने लगा रखा था बेटा, इस प्लांट में बहुत कम ऐसी एफिशिएंसी थी कि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके, सोख सके, है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट को क्या कर सके, ये यूज कर सके, इतनी एफिशिएंसी इसमें नहीं थी। लेकिन ये जो प्लांट है जिसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है, मॉडिफाइड प्लांट में बेटा इतनी कैपेसिटी है कि वो जाकर सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख सके, ठीक है, मतलब उसमें इतनी एफिशिएंसी आ चुकी कि वो सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके, अच्छा यूज कर सके, उसका मिनरल यूजेस उसके बहुत अच्छे कर सके, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ये सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेगा, यहाँ पर ये सॉइल में न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करता नहीं था। ये वही बात हो गई कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास में भी 24 आवर्स है, एक ऐसा बच्चा जिसके पास भी 24 आवर्स है। अब जो वो वाला बच्चा है, यानी कि जो आलोक, ये जो भी बच्चा है, ये अंशु, क्या नाम लिया था हमने, हाँ, अंकुश, ये अंकुश बच्चा जो है इसके पास 24 घंटे, लेकिन ये 24 घंटे का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये टाइम का यूटिलाइज कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का यूज करके यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, मिट्टी का, और ये मिट्टी का अच्छे से यूटिलाइज कर नहीं पा रहा है, ओके। तो मुझे ऐसा चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का अच्छे से यूटिलाइज करे और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले सके, ठीक है। एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, भाई मान लो कि ये पौधा है राइस का, चावल निकलता है इससे, राइट, चावल मिल रहा है हमें, तो हमें ऐसा चावल मिले, हमें ऐसा राइस मिले जिसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा हो, राइट, हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ज्यादा हो, तो इसमें जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू थी उससे कई ज्यादा गुना इसमें होगी क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफाई तो मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगी ना, अपने अकॉर्डिंग करूंगी तो मैं सारी अच्छी चीजें डालूंगी इसके अंदर, मैं इसको एबायोटिक फैक्टर के प्रति इतना ज्यादा स्ट्रेस के प्रति झेलने लायक बना दूंगी, भाई ये स्ट्रेस को झेल सके, इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। नंबर टू बेटा, इसको केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, पेस्ट रेजिस्टेंट बना दूंगी, हार्वेस्ट करने के बाद में इसमें लॉसेस बहुत कम हो, मिनरल यूजेज बहुत ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर सके, उसके बाद में न्यूट्रिशनल वैल्यूज की मैं बढ़ा दूं, जैसे कि राइस में विटामिन ए मैं बढ़ा देती हूँ। इन एडिशन टू यूज दिस,
In addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. देखिए जो हमारे starches की form में, pharmaceuticals की form में, fuels की form में हम क्या करते हैं, GM plants से निकले हुए जो products होते हैं उनको हम आगे से आगे industries में भेज रहे होते हैं. Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plant is very important. Pest resistant plant को बनाना is very very important जो हम biotechnology की help से करते हैं, which could decrease the amount of pesticide used. जो हम chemical use कर रहे हैं ना, ये pesticides use कर रहे हैं. Obviously बात है कि अगर pest resistant बन चुका है, plant resistant बन चुका है, तो बीमारी होगी नहीं ना, तो मुझे क्यों इस पे छिड़काव करने की जरूरत है, मुझे जरूरत ही नहीं है इसके अंदर इस पे डालने की, pesticide डालने की. ठीक है, BT toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis. BT short के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब short मतलब Bacillus thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया है. यहाँ इसके लिए हम BT यूज कर रहे हैं. BT toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis. BT toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in the plant to provide resistant to insect without the need for insecticide in effect. Created to bio pesticide. देखिए हमने क्या किया, एक हमारे पास में प्लांट था बेटा, ठीक है, सॉरी प्लांट नहीं, हमारे पास एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था Bacillus thuringiensis. अब ये बैक्टीरिया जो है Bacillus thuringiensis, इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो जीन होता है टॉक्सिन जीन, जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन जीन इसके पास में प्रेजेंट होता है. ये जो जीन होता है बेटा जी, ये जो जीन होता है, ये बेसिकली करता क्या है, ये जीन प्लांट को हेल्प करता है कि उसको बीमारी ना हो, यानी कि उसको वो इंसेक्ट से बचाने का काम करता है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, इसका जो जीन था, इस बैक्टीरियम से जो जीन था बीटी टॉक्सिन, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करा, उसको मैंने क्लोन करा, मतलब इस जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाई, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते भी कि भाई मुझे डिजायर्ड जीन है, इस जीन की एक नहीं, मुझे बहुत सारी कॉपीज चाहिए ताकि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, इसके बहुत सारी कॉपीज आ जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि मैं प्लांट के अंदर इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास प्लांट आएंगे, और प्लांट आएंगे तो उतना ज्यादा मेरे पास में प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा. तो मैंने इसकी पहले तो कॉपीज बना ली, क्लोन कर लिया इसको बैक्टीरिया के अंदर, एंड देन इसको बेटा मैंने इस जीन को ट्रांसफर किस में कर दिया, प्लांट में कर दिया. तो मैंने इस जीन को क्या कर दिया, प्लांट में डाल दिया. अब प्लांट में ये जीन आ चुका है बीटी टॉक्सिन जीन. अब ये प्लांट को क्या कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, जीन डालने का फायदा क्या है, प्लांट में जीन डालने का फायदा ये है कि इस प्लांट के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स आ रहे थे जो इसको बीमार कर रहे थे, इंसेक्ट्स आ रहे थे इस प्लांट को खा रहे थे, तो मैंने क्या किया ना, इसमें ऐसा जीन डाल दिया बीटी टॉक्सिन जीन जो कि ये इंसेक्ट से दूर रखेगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दिया. अब इसके पास इंसेक्ट नहीं आएंगे, इंसेक्ट इसको कोई भी हार्म कॉज नहीं करेंगे. तो इंसेक्टिसाइड जो है बेटा, मुझे अब इसकी इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड यानी कि जो केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. मैंने इसमें ऑलरेडी क्या डाल दिया, जीन डाल दिया है, ठीक है. तो ये जो जीन जो है बेटा कौन कौन से प्लांट में डाला गया, आपसे आप पूछ सकते हो, सिंपल सी बात है कि भाई ये प्लांट कौन सा है, कॉटन का प्लांट है, राइस का प्लांट है, किसका है. तो बेटा जी हमारे पास में ये एक्सपेरिमेंट हमने कॉटन में भी किया है, तो इसको बोलते हैं बीटी कॉटन. ये बेटा हमने राइस में भी किया है, बीटी राइस भी हम बोल सकते हैं. ये टमेटो में भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो टमेटो भी बोल सकते हैं. ये पोटैटो में भी किया है, सोयाबीन में भी किया है, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा पोटैटो में एंड सोयाबीन के अंदर, बेसिकली हमने ये एक्सपेरिमेंट करा है. गॉट इट. तो ये बीटी टॉक्सिन जीन हमने इस प्लांट में डाला है, कॉटन का प्लांट, बीटी कॉटन बोलते हैं, बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, सोयाबीन. ओके, अब बात करते हैं बेटा एडवांटेजेस जो हमारे जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके एडवांटेजेस हमारे पास में क्या होते हैं, ठीक है. देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एडवांटेजेस वैसे हम कर चुके हैं, ठीक है, चारों पांचों एडवांटेजेस जो एनसीईआरटी में गिवन है हम ऑलरेडी कर चुके हैं. देखिए हमारे पास में ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं, वही प्लांट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. जीएम प्लांट को ही मैं क्या बोल रही हूँ, ट्रांसजेनिक प्लांट बोल रही हूँ. दैट मीन्स कि मैंने इसी प्लांट को मॉडिफाई करा है, क्या डाल के, बीटी टॉक्सिन जीन डाल के. ये बीटी टॉक्सिन जीन का रिसोर्स कौन था, Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया, मैं बीटी बैक्टीरिया ही बोल रही हूँ,
ठीक है जी, ये बैक्टीरिया से निकाला हुआ बीटी जीन, बेसिलस थुरिंजियंसिस नाम के बैक्टीरिया से निकाला हुआ जो बीटी टॉक्सिन जीन है, ये जीन जो है मैंने अलग अलग प्लांट्स में डाला है। पहला बेटा मैंने कॉटन में डाला है, बीटी कॉटन, मैंने राइस में डाला है, मैंने पोटैटो में डाला है, टमेटो में डाला है, सोयाबीन में डाला है। इतने हमारे पास में क्या जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स, देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं। तो हमने ये वाले जीन्स डालते ही बेटा इसमें क्या यूज आ गया इसका, ये इसमें इंसेक्ट्स की इंसेक्टिसाइड्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इंसेक्टिसाइड डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब ये प्लांट खुद ही, आपने इस प्लांट में ही ऐसा जीन डाल दिया जो प्लांट अपनी खुद की रक्षा खुद से कर सकता है, इसको किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिर्फ एक बीटी कॉटन के बारे में। यहाँ पे बताया जाता है कि बेसिकली ये काम किया कैसे आपने, कि बीटी टॉक्सिन जीन को निकाला, ये टॉक्सिन जीन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ये सवाल आते हैं। तो इसको सीधे आप बीटी कॉटन में कन्वर्ट करें तो बीटी कॉटन आपने बनाया कैसे बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन बेसिकली बनता कैसे है कि जो हमारे पास में कुछ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है बेसिलस थुरिंजियंसिस, इसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं। आपको पता है हर बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे कि आपको याद हो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स थे आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, राइट। वैसे हमारे पास बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स होते हैं। तो हमारे पास में जो बैक्टीरिया होता है बीटी बैक्टीरिया, इस बीटी बैक्टीरिया के मेरे पास में क्या होता है बेटा, स्ट्रेन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स। ये स्ट्रेन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये स्ट्रेन्स जो होते हैं बेटा ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करता है, इंसेक्ट को मारता है बेसिकली। तो इनके स्ट्रेन्स, बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स, बैक्टीरिया के कुछ टाइप होते हैं, इनके अंदर एक ऐसा जीन होता है जो बीटी टॉक्सिन जीन बता रही हूँ, वो टॉक्सिन जीन ही तो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा ना, सिंपल सी बात है ना, प्रोटीन ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा, जीन क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट ही तो है, तो डीएनए आगे जाके आरएनए बनाएगा, फिर ही तो प्रोटीन बनेगा। तो बेसिकली इसमें जो होता है वो कौन सा जीन होता है, बीटी टॉक्सिन जीन प्रेजेंट होता है, ये आगे जाके बेटा जी एक प्रोटीन बना रहा होता है। ये प्रोटीन बेसिकली क्या काम करता है बेटा, इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है, इंसेक्ट्स को किल करता है, ठीक है, किल इंसेक्ट्स, ठीक है, ये इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है ये प्रोटीन, ठीक है। अब हमारे पास में किस टाइप के इंसेक्ट्स आते हैं, यहाँ पर ये भी बात आ जाती है कि भाई ये इंसेक्ट्स को मार रहा है तो ये इंसेक्ट्स कितने टाइप के हमारे पास में। तो बेटा आपके पास में तीन टाइप के इंसेक्ट्स दे रखे हैं। पहला आप देखेंगे लेपिडोप्टेरोन, जिसको बोले टोबैको बडवॉर्म, या हमारे पास में आर्मी वॉर्म आता है, टोबैको बडवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म लेपिडोप्टेरोन में आ जाते हैं। तो हमारे पास में बेटा ये एक हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूं लेपिडोप्टेरोन, ठीक है। नंबर टू में हमारे पास में आ जाता है कोलियोप्टेरोन, बीटल, बीटल जो होते हैं ना वो भी आपके इंसेक्ट्स में आते हैं, तो ये कोलियोप्टेरोन, कोलियोप्टेरोन, ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसमें कौन आता है, बीटल, बीटल, ठीक है जी, है ना, इसको मारने का काम करता है। नंबर थ्री हमारे पास में डिप्टेरॉन्स आते हैं, डिप्टेरन आते हैं, डिप्टेरा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आपको दिखाई दे रहे हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो, जो आपकी मक्खियां होती हैं एंड जो मच्छर होते हैं, बस यही है दो बेटा दुनिया में जिनसे मुझे डर नहीं लगता। बाकी कोई भी एनिमल ले आओ, चाहे तुम किसी को भी ले आओ, मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है। तो डिप्टेरॉन से लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन, इन तीनों को मारने का काम करता है भाई कौन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है, बीटी टॉक्सिन जीन ने जो प्रोड्यूस किया है, ओके। तो बेसिलस थुरिंजियंसिस ये प्रोटीन कब बनाता है, अपनी लाइफ साइकिल में कौन से स्टेज पर बनाता है, तो बेटा जी ये अपने लाइफ साइकिल के अंदर बेसिलस थुरिंजियंसिस जो होता है एक पर्टिकुलर फेज, जब वो ग्रो कर रहा होता है तो एक पर्टिकुलर फेज पे बनाता है, और ये प्रोटीन के क्या बनते हैं, कुछ क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, और ये प्रोटीन बहुत टॉक्सिक होता है। इस प्रोटीन के कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं बेटा, उन क्रिस्टल्स या इस प्रोटीन को बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन वो होता है बेटा जो इंसेक्ट्स को किल करता है, इसके हम क्रिस्टल्स यहाँ पर तैयार करते हैं। Why does this toxin not kill the bacillus? भाई bacillus को क्यों नहीं मार रहा है ये? देखिए ये प्रोटीन, ये बैक्टीरिया ही तो बना रहा है ना, बेसिलस थुरिंजियंसिस ये प्रोटीन बना रहा है, ये प्रोटीन अगर इंसेक्ट्स को मार रहा है तो ये प्रोटीन बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा है, बात करने वाली है भाई, सिंपल सी बात है, देख लेते हैं क्या आप बता रखा है एनसीईआरटी ने। तो एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, एनसीईआरटी की यही तो खूबसूरती है कि पहले सवाल पूछती है और जवाब खुद ही बता देती है, ठीक है। तो कभी कभी मम्मी नाराज हो जाती है ना, तो मम्मी ऐसे बोलती है, अपन मम्मी को बोलते हैं ना मम्मी लेट्स सपोज मुझे कोई शॉपिंग पे जाना है, मम्मी शॉपिंग पे चलोगे, तो मम्मी कहती है खाना कौन बनाएगा तेरी माँ, ऐसे बोलती है ना मम्मी, बोलती कभी कभी गुस्सा होगी खाना कौन बनाएगा तेरी माँ, तो फिर मम्मी को ऐसे बोल देना चाहिए मम्मी क्वेश्चन एंड आंसर आप तो खुद ही कर रहे हो, मैं नहीं खेल रही इस गेम में, मुझे नहीं खेलना है क्यों ऐसा जिसमें आप क्वेश्चन और आप ही क्वेश्चन कर रहे हो आप ही आंसर कर रहे हो,
खाना तो आप ही बनाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, मेरी माँ ही बनाएगी खाना, तो मैं ऐसे बात कर लेती हूँ ना, तो मेरी मम्मी का गुस्सा थोड़ा डाउन हो जाता है। तो आप भी ऐसे बात कर सकते हो आपकी मम्मी से, अगर आपकी मम्मी अगर थोड़ी ज्यादा गुस्से में नहीं है तो, है ना, ज्यादा गुस्से में तो मुंह बंद रखो अपना, ठीक है, वरना ऐसे चपाट पड़ेंगे ना, मतलब याद रखोगे। ठीक है, चलो। सो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना रहा है तो बेसिलस को क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि भाई ये बेसिलस प्रोटीन बना तो रहा है जो इंसेक्टिसाइडल है, ये प्रोटीन इस बैक्टीरिया को इसलिए नहीं मार पा रहा है क्योंकि ये प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया की बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बैक्टीरिया को इससे कि ये प्रोटीन पड़ा भी है, इसकी क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ये एक्टिव कब बनते हैं? जब ये इंसेक्ट आके इसको खाएगा, है ना, कि मान लो मैंने ये वाला जीन जो था इस प्लांट में डाल दिया, कॉटन प्लांट में डाल दिया। अब इस कॉटन प्लांट के अंदर बेटा क्या बन गया? ये बीटी प्रोटीन बनने लग गया। ठीक है, ये जीन मैंने इसमें डाला कॉटन प्लांट में, इसको बीटी कॉटन बनाया। इस कॉटन के अंदर जो है मैंने जैसे जीन डाला, यहाँ पे प्रोटीन बनने लगा। ये प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा हानिकारक है, इंसेक्टिसाइडल है। ये बैक्टीरिया को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी में ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में है, वहां पे कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इस कॉटन प्लांट को एक इंसेक्ट आके खाएगा, अब क्योंकि कॉटन प्लांट में तो प्रोटीन बना हुआ है, अब कॉटन प्लांट को अगर इंसेक्ट खाएगा तो सोचो उस इंसेक्ट की बॉडी में क्या होगा। वो खाते ही बेटा वो तो काम ही उसका ये कि इंसेक्ट की बॉडी में जाऊं तो सही, मैं तहलका मचाऊं। इंसेक्ट की बॉडी में जैसे घुसेगा और वहां पर बेटा उसकी जो इंटेस्टीन होती है, उसकी पीएच जो उसकी बेसिक या एल्कलाइन पीएच होती है, उसके चलते हुए बेटा उसकी मौत हो जाती है। क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। किल किल द इंसेक्ट्स, दैट इज हाउ इट इज किलिंग द इंसेक्ट्स। ओके, तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है वो एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है, इंसेक्ट्स को नहीं मारेगा, मतलब सॉरी इसकी बॉडी को नहीं छुएगा, कोई मारेगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही इसको, वंस द इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव प्रोटीन, जैसे इंसेक्ट आएगा इसको खाएगा, ये प्रोटीन इसकी बॉडी में जाएगा, ये प्रोटीन इनएक्टिव था, अब इनएक्टिव से एक्टिव बनेगा। कहाँ बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव फॉर्म ड्यू टू दी एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। गट की एल्कलाइन पीएच की वजह से बेटा जी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनएक्टिव से एक्टिव बन जा रहा है। ठीक है, गट की एल्कलाइन पीएच की वजह से। ठीक है, जैसे इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट के गट में के अंदर एल्कलाइन पीएच जाएगी, एल्कलाइन पीएच की वजह से ये इनएक्टिव से एक्टिव में बन जाएगा। विद सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, क्रिस्टल उसकी वजह से बेटा क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। यानी कि ये प्रोटीन जो होता है ना, इसके क्रिस्टल बिल्कुल घुल जाते हैं। एंड ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होता है वो इसकी मिड गट की एपिथेलियल सेल से जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, जैसे ही इसकी गट में एल्कलाइन पीएच मिली, एक्टिव हो गया, एक्टिव होते ही घुल गया, सॉल्युबल हो गया। एंड जैसे ही सॉल्युबल हुआ तो ये इसकी मिड गट में पहुंच गए, कौन, ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स, ये उसकी मिड गट में पहुंचे और मिड गट के अंदर बेटा उनकी एपिथेलियल सेल्स जो थी वहां से जाके ये प्रोटीन के क्रिस्टल बंद गए हैं। ओके, एंड क्रिएट पोर्स मिड गट में बेटा, छेद कर देता है उस इंसेक्ट के। तो इंसेक्ट को मारा कैसे बेटा? इंसेक्ट को मारा है बेटा जी इसके मिड गट में छेद करके। मिड गट में क्या कर दिए? पोर्स कर दिए। क्यों हो गए मिड गट में पोर्स? क्योंकि यहां पर एक्टिव हो गया वो प्रोटीन, टॉक्सिन प्रोटीन। ठीक है, सो ये छेद कर देता है, एंड छेद करके बेटा जी वो स्वेलिंग कर देता है, लाइसिस कर देता है। मतलब ये मिडगट जो थी, अब इसकी जो सेल्स थी वहां पे फट जाएंगी, स्वेलिंग करेंगी, फूलेंगी और फट जाएंगी मिडगट की सेल्स, एंड इसमें पोर्स भी क्रिएट कर देगा। एंड इवेंचुअली जो होगा बेटा, इंसेक्ट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं स्पेसिफिक, ये देखो ये पूरा प्रोसेस आ सकता है आपसे, एक एक नंबर के सवाल भी आ सकते हैं कि ये कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जहाँ पर हमारा बीटी टॉक्सिन जो है वो कौन कौन से इंसेक्ट्स को मार सकता है, किस किस टाइप के। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको लिखने हैं कि इनके एग्जांपल कौन से होते हैं। कोलियोप्टेरॉन के अंदर कौन आता है? बीटल आता है, राइट, ऐसे एग्जांपल्स। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस भी आ सकती है कि कैसे इंसेक्ट को मारा गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में, और ये भी आ सकता है कि बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा इसने। उसके बाद में स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन जो होते हैं वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थुरिंजियंसिस। जैसे बेटा हमें इस प्रोसेस का पता चला कि भाई ये तो बहुत मजेदार चीज है, ये तो बहुत मजेदार चीज है कि ये प्रोटीन, ये जीन होगा, ये टॉक्सिन जीन ऐसा प्रोटीन बनाता है जो इंसेक्ट्स को ऐसे ही मार देता है, तो हमें तो इंसेक्टिसाइड छिड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस प्लांट के ऊपर, क्योंकि इस प्लांट के अंदर प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट था। जैसे इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट मर गया, मिडगट में छेद हो गई, फूल गई, फूल के फट गई इसकी सेल्स। ठीक है, तो मर गया वैसे। तो हम ऐसा एक काम करते हैं कि इस जीन की ना बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। अब ये जीन बहुत सारी कॉपीज बना लूंगी तो इस जीन को बाद में मैं किस में कर पाऊंगी? ट्रांसफर कर पाऊंगी किसी और प्लांट में। जैसे कॉटन में हो रहा है तो कॉटन के समय किसी और प्लांट में डाल पाऊंगी, जैसे कि टमाटो हो गया, पोटेटो हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, इन सब में मैं डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। तो इस बीटी टॉक्सिन जीन को मैंने आइसोलेट करा इस बैक्टीरिया से कि भाई इस बैक्टीरिया की बॉडी को लेकर आते हैं, इस बैक्टीरिया की बॉडी में से ये टॉक्सिन जीन निकाल देते हैं, और निकाल कर हम क्या करेंगे बेटा जी, इसको अलग अलग क्रॉप प्लांट्स में डाल देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे अलग अलग प्लांट्स के अंदर, कॉटन के अंदर कर दिया, अलग अलग और प्लांट्स में भी कर दिया। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट।
देखिए क्रॉप, हम जीन को कैसे चॉइस कर रहे हैं वो डिपेंड कर सकता है कि हम हमारी कौन सी क्रॉप को टारगेट कर रहे हैं, कौन से पेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। भाई कौन से पेस्ट को मारना चाहते हो आप, है ना, इस पेस्ट को या इस पेस्ट को किसको मारना चाहते हो, डिपेंड करता है कौन सा जीन आप लेंगे, राइट। उसके बाद में अपन बात करते हैं एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ये जितने भी बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं बेटा वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक जो बीटी टॉक्सिन जीन होता है बेटा, ये तीन टाइप के इंसेक्ट्स को मारा ना, हर एक जो टॉक्सिन जीन होता है वो ग्रुप स्पेसिफिक होता है कि इसी टाइप के इंसेक्ट्स को मारेगा, ये इसी टाइप के इंसेक्ट्स को मारेगा, ठीक है। तो ग्रुप स्पेसिफिक हमारे पास जीन्स होते हैं, इसलिए हम पहले ये पहचानेंगे कि हमारा प्लांट जो है उसको हम कौन से बैक्टीरिया से, कौन से इंसेक्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही इंसेक्ट का ग्रुप हम देखेंगे कि कौन से इंसेक्ट के ग्रुप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा जीन जो है हम ट्रांसफर कर देंगे। टॉक्सिन जीन जो होता है बेटा, इसको हम कोड करते हैं क्राई जीन के नाम से। इस जीन की एक ब्रॉड कैटेगरी इसको क्राई जीन नाम से हम बता रहे होते हैं, एंड देर आर अ नंबर ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन्स क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, ये कॉटन बॉलवॉर्म्स को कंट्रोल करता है। देखिए क्राई जीन जो होती है ये हमारी टॉक्सिन जीन ही होती है। इस क्राई जीन का ये है कि भाई ये कौन से इंसेक्ट वाले ग्रुप पे एक्ट करेगी। तो इस क्राई वन के अंदर बेटा क्राई वन ए सी आपके पास आती है, क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, ठीक है, क्राई सेकेंड ए बी ये भी आपके पास में आती है। तो ये आपके पास में दोनों जीन क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी ये किसको करती है, कॉटन बॉलवॉर्म को। क्राई वन ए सी अभी रट लो यहाँ पर, क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी कॉटन बॉलवॉर्म को इफेक्ट करती है, एंड दैट ऑफ अ क्राई वन ए बी जो होती है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल कर रही है, जिसको हिंदी में मक्का छेदक बोलते हैं, कॉर्न बोरर, ठीक है। तो कॉर्न बोरर के ऊपर कौन काम कर रहा है, क्राई वन ए बी, क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी वो किस पे काम करता है, कॉटन बॉलवॉर्म पे, गॉट इट। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। श्रीनगर में कब आ रहा है वेदांतु, जल्दी आ जाएगा बेटा, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखिए, डायग्राम देख सकते हैं आप, ये आपके पास में है बेटा। ए डायग्राम किसका है, डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवॉर्म्स। इस प्लांट को हम क्या कर दिए, कॉटन का प्लांट जो था वो बॉलवॉर्म्स आते थे इसके ऊपर अटैक करते थे और उसने प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए कॉटन बॉलवॉर्म को, कॉटन बॉलवॉर्म के ऊपर जो इंसेक्ट आता था उसको, उस इंसेक्ट से बचाने के लिए इस कॉटन बॉलवॉर्म को हमने कौन से जीन ट्रांसफर करे हैं, क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, याद रख लेंगे। कौन से जीन ट्रांसफर करें, क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, कॉटन बॉलवॉर्म से बचाने के लिए, कॉर्न बॉरर से बचाने के लिए क्राई सेकेंड ए बी, गॉट इट, क्राई फर्स्ट ए बी, सॉरी नॉट सेकेंड ए बी, ओके। तो ये है बेटा कि कॉटन बॉलवॉर्म आएगा इस प्लांट को खत्म कर देगा बिल्कुल, लेकिन बेटा यहाँ पर जो है फुल्ली मेच्योर कॉटन बॉल हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस कॉटन बॉल को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट के अंदर जीन डालना पड़ेगा, टॉक्सिन जीन, बीटी टॉक्सिन जीन, ताकि इंसेक्ट इसको खाई ना पाए। तो वो टॉक्सिन जीन कौन सा डालेंगे अपन, क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, ओके। एंड क्राई वन ए बी की मैं बात करूँ तो वो कॉर्न बॉरर के अंदर होता है, ठीक है जी। तो बेसिलस थ्रेसियंसिस के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमने बात करी सबसे पहले बीटी टॉक्सिन जीन की, एंड बेसिलस थ्रेसियंसिस बैक्टीरिया की हेल्प से हम कैसे हमारे प्लांट को बचा पा रहे हैं, है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट बना पा रहे हैं। नंबर टू हमारे पास में आता है बेटा कि ऐसे बहुत सारे नेमेटोड भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया से अपन ने जीन निकाली थी, और वो वाले जीन, वो वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है वो इंसेक्ट्स से बचाने की कोशिश करता है प्लांट को। यहाँ पर बेटा ये नेमेटोड होता है, ये नेमेटोड एक ऐसा पैरासाइट होता है, एक ऐसा पैरासाइट जो हमारे प्लांट और एनिमल के पीछे पड़ा हुआ हाथ धो के। अब एनिमल में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, नेमेटोड क्या है, एस्केल्मेंथीज ही नेमेटोड कहलाते हैं, और ये हमें बीमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कीड़े होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर भी घुस सकते हैं, तो एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, दोनों में घुसकर उनको बीमार कर सकते हैं नेमेटोड्स, ठीक है। तो इसका बेटा हमने यहाँ पर एक आपको दे रखा है प्रोसेस, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस मेथड। यहाँ से बेटा आपसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके नाम में ही पूरा छुपा हुआ है। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब आरएनए की प्रोसेस में हमने इंटरफेयर कर दिया। कैसे इंटरफेयर कर दिया, देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे पास नेमेटोड होता है जिसको बोलते हैं मेलवाइडोगाइनी इनकॉग्निटा या इनकॉग्निशिया, जो भी बोलना चाहो आप। ये बेटा हमारे टेबेको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है। कि मान लो तुम्हारे पास में एक टबैको प्लांट है, उस टबैको प्लांट की, ये एक टबैको प्लांट है, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं बना रही हूँ, जस्ट आपको समझा रही हूँ। ये टबैको प्लांट होता है बेटा, इस टबैको प्लांट की हमारे पास में रूट होती है, लेट्स सपोज इस रूट के अंदर बेटा ये नेमेटोड आता है, ठीक है, ये नेमेटोड आता है, नेमेटोड को अलग कलर से बनाए, बिल्कुल बनाए,
ये नेमेटोड आया ले, सपोज एक कोई कीड़ा है वो आया, वो इसको इन्फेक्ट करता है। जैसे बेटा ये इनको इसको इन्फेक्ट करता है, पता है क्या करता है? ये कौन सा प्लांट बना रही हूँ? टबेको प्लांट बना रही हूँ। टबेको जैसे ही इसको इन्फेक्शन कॉज करेगा, इसकी रूट में जाके इन्फेक्शन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कौन सा ये जो आरएनए इंटरफेरेंस मेथड होता है इसमें ये नेमेटोड कहां पर अटैक करता है? टोबैको प्लांट। कौन सा प्लांट? टोबैको प्लांट। कहां पे? टोबैको प्लांट के कौन से ऑर्गन पे? रूट के ऊपर। रूट पे जाके इसको इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करके बेटा यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर बेटा जी रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। यहाँ पर जो होती है गांठे पड़ जाती है, इस तरीके से रूट के अंदर क्या पड़ जाती है? गांठे पड़ जाती है। कैसे बीमारी कर दी है बेटा? रूट नॉट डिजीज किसने करी है? नेमेटोड ने करी है। कौन सा प्लांट है? टोबैको प्लांट है। ये सवाल आते हैं, टोबैको प्लांट पे किसने बीमारी करी है? नेमेटोड ने, नेमेटोड ने। ठीक है, नेमेटोड आया प्लांट, टोबैको प्लांट की रूट के ऊपर गया, रूट के ऊपर जाके इफेक्ट करते हैं, रूट नॉट डिजीज कर दिया, रूट में गांठे गांठे पड़ गए बेटा कैंसरस सेल की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है बेटा ये नेमेटोड से हमारे इस प्लांट को बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखो रूट नॉट डिजीज करेगा तो बीमारी कॉज करेगा, बीमारी कॉज करेगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और मैं तो नहीं चाहती कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो, तो मैं प्रोडक्टिविटी कम नहीं करना चाहती, तो क्या कर सकती हूँ? किसी न किसी तरीके से मैं नेमेटोड से मेरे प्लांट को बचा लूँ। ठीक है, नेमेटोड से अगर मैं प्लांट को बचा लूँ तो बेटा मेरा तो काम आसान बन जाएगा, है ना, आसान बन जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या चीज होती है? यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस काम होता है, आरएनए इंटरफेरेंस काम करता है। तो यहाँ पर जो नेमेटोड है उसका नाम क्या है? मिल्वेडोगाइन इकोग्निशिया, जो कि रूट को इन्फेक्ट कर रहा है टोबैको प्लांट की, एंड एक ग्रेट रिडक्शन कॉज कर रहा है यील्ड के अंदर, प्रोडक्टिविटी कम कर रहा है, सिंपल सी बात है। नोवल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन which was based on the process of RNA interference. RNA interference take place in all eukaryotic organisms, very important. सारे के सारे eukaryotic organism में, देखिए सारे eukaryotic organism में कौन से आते हैं? मतलब सभी यूकेरियोटिक, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं इसका, ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तुम आरएनए इंटरफेरेंस का यूज कर सकते हो। क्यों? सेलुलर डिफेंस की, सेलुलर डिफेंस के लिए, कि अगर तुम्हारी बॉडी की किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई नेमेटोड आकर तुम्हें इन्फेक्ट कर रहा है या कोई भी तुम्हें इन्फेक्ट कर रहा है, तो तुम्हारी बॉडी की जो सेल है वो अपनी डिफेंस के लिए, अपने रक्षा के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करती है। बेसिकली क्या होता है बेटा, जनरल केसेस में क्या है कि तुम्हारे पास ये डीएनए होता है, ठीक है, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है और ट्रांसक्रिप्शन करके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है, एंड दैट इज ऑल्सो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। ओके, अब ये एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बना देता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर आपने मुझसे पढ़ा हो तो मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी कि बेटा जी ये जो हमारा एमआरएनए होता ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा तभी प्रोटीन बनेगा। अगर तू सिंगल है तो ही तू अच्छा है, डबल होते या मिंगल होते तो अच्छा नहीं है। मिंगल होते बेटा ये बंधिश में बंध जाता है और वो नहीं कर पाता जो इसको करना होता है ना। यही तो होता है, जब आप सिंगल होते हो तो कितना अच्छे से घूम फिर पाते हो, जहां आपका मन है वहां आप जाते हो, जो आपको करना है वो आप करते हैं। लेकिन जैसे आप मिंगल हो जाते हैं तो वो एक डोपामिन तो रिलीज होता है दिमाग में, लेकिन बंदिशें आ जाती है, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसीलिए सिंगल होना अच्छा है। कब तक? कब तक? एक सर्टेन एज तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिंदगी में साधु महात्मा बन के रह जाओ, वो भी तुम्हारी मर्जी हो सकती है इफ यू वॉन्ट, बट यूजुअली ऐसा होता है कि भाई ठीक है अपना करियर है तो करियर को प्रायोरिटी देते हैं, देन विल गो इन टू दिस थिंग। तो यहाँ पर हमारा एमआरएनए भी ऐसा करता है कि भाई ठीक है, इसको नॉर्मली इसको पता है कि इसको क्या करना है, इसको इसको पता है मैं सिंगल स्टैंडर्ड हूँ और मेरा बेसिकली काम है कि भाई टीआरएनए आएगा, राइबोसोम आएगा, मेरे ऊपर ना प्रोटीन अपना बना के पॉलीपेप्टाइड चेन बना के ले जाएगा, बन जाएगा प्रोटीन। ठीक है, अभी क्या होता है, यहाँ भी यहाँ पर क्या होता है, इंटरफेयर कर देते हैं अपन आरएनए के काम में, इंटरफेयर करते हैं। भाई ये डीएनए था, ये डीएनए अपना मस्त क्या बना रहा था? आरएनए बना रहा था, ये आरएनए बनाया। अब की बार ये जो डीएनए होता है ना बेटा, मैं ऐसा जीन ढूंढ के लाती हूँ, जीन मतलब फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए, मैं ऐसा डीएनए, ऐसा सेगमेंट ढूंढ के लाती हूँ जो एक आरएनए नहीं दो आरएनए बनाता है, दो आरएनए बनाता है बेटा, एक आरएनए नहीं दो आरएनए बनाता है, एक सेंस बनाएगा, एक एंटी सेंस बनाएगा। ठीक है, दो आरएनए बनाएगा। अब आपको पता है दोनों आरएनए बने हैं, जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बनते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं भाई। एक स्ट्रैंड पर अगर एक साइड में एडेनिन है तो दूसरे पे थायमिन होगा, तभी तो बॉन्डिंग बन गई। तो यहाँ पर भी ये दोनों स्ट्रैंड्स जो आरएनए के बनते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेंस एंड एंटी स्ट्रैंड, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से बेटा बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये लो, कर लिए बेटा काम तमाम, खुद की पैरों पे खुद ने ही क्या कर ली, कुल्हाड़ी मार ली। आप में से भी बहुतों ने मारी होगी 14 फरवरी को, 14 फेब को किसी को प्रपोज करके, या किसी को ऐसा प्रपोजल दिया होगा
कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी, क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनना चाहोगे। आपने मार ली बेटा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। आपको पता था कि मैं नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी भावनाओं में बह गए बच्चों। आप बहते ही बेटा देखो ऐसा हो जाता है जो इसके साथ हुआ। अब बेचारा क्या करे, बनाना तो बहुत चाहता है प्रोटीन, कहता है कि मैं प्रोटीन बनाना चाहता हूँ, प्रोटीन बनाना चाहता हूँ, बना ही नहीं पाता बेटा, रोक लग गई, नहीं बना प्रोटीन। अब क्या काम का, आरएनए कितना भी बनता जाओ प्रोटीन कोई काम का नहीं है। यही होता है बेटा आरएनए इंटरफेरेंस। मैंने आरएनए की प्रोसेस में इंटरफेयर कर दिया, मैंने इस आरएनए को क्या कर दिया, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना दिया। डबल स्ट्रैंड आरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना सकता, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही प्रोटीन बनाने के काबिल होता है, डबल स्ट्रैंड कभी भी नहीं होता है। अब इसमें देखो ऐसा बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं जो डाइसर होता है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिंपल सी बात है कि आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो हमारे पास में डीएनए था, ये डीएनए या फिर आप बोल सकते हैं जीन था, ये जीन बेसिकली मैं कौन सा लेके आई थी बेटा, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन बताऊंगी, अभी टेंशन नहीं लो कि क्या बता रही हूँ, मैम बता क्या रही है, समझ नहीं आ रहा है। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन बेटा मैं बाहर से लेकर आई, मैं लाई और लाकर मैं चाहती थी कि ये आरएनए बनाए। नॉर्मल जीन तो मेरा आरएनए बना रही थी, प्रोटीन बना रही थी, लेकिन नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लाते ही, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन कहाँ से लाई, कहाँ से लाई बेटा, ये ट्रांसपोजोन से ला सकती हूँ मैं। ट्रांसपोजोन जो हमारे जंपिंग जीन होते हैं ना, मैं वहां से भी ला सकती हूँ। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उस पर ज्यादा मत फोकस करो, बस इतना ध्यान रखो कि नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लाती हूँ और मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, वो जीन आरएनए बनाता है, दो तरीके के आरएनए, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, एंड वो दोनों आरएनए जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाते हैं और फिर वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है बेटा प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ये काम हो जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये सेम अपन सेलुलर डिफेंस में भी यूज करते हैं, ऑल यूकैरियोटिक, सारे यूकैरियोट्स में होती है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। देखिए हमने एमआरएनए की साइलेंसिंग कर रखी है, यहाँ पर आरएनए साइलेंस हो चुका है, समझ पा रहे हो, आरएनए साइलेंस होने का मतलब है प्रोटीन नहीं बना रहा है। तो हमने एमआरएनए की साइलेंसिंग कर दी, किस वजह से बेटा, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है उसकी हेल्प से। तो बेसिकली मेरे पास में बेटा ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये आरएनए कैसा बना मेरे पास में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मेरे पास बना है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना है, ये मैंने बना के रखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, जो खुद भी प्रोटीन नहीं बनाता और अगर किसी के साथ ऐड हो गया तो ये प्रोटीन बनाने भी नहीं देगा किसी को। तो बेसिकली क्या होता है, ये मैंने बना के रख रखा है कि भाई इस प्लांट को ये नेमेटोड बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो नेमेटोड की छुट्टी करते हैं। अभी क्या करेंगे अपन, पहले तो इस प्लांट में बेटा क्या हो रहा था कि जीन जो थी हमारा आरएनए, मतलब नेमेटोड जो था वो क्या कर रहा था, अपना जीन डाल रहा था इसके अंदर, है ना, जीन डाल के अपना प्रोटीन बना रहा था, आरएनए बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था, है ना। मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है चलो नेमेटोड को थोड़ा दिन जी लेने देते हैं, जा नेमेटोड जा जी ले अपनी जिंदगी, कर ले तहलका मचा ले। तो बचा लिया बेटा इसने तहलका, बनाया इसने प्रोटीन, बनाया सब कुछ किया। तो मैंने क्या किया, इस चीज को रोकने के लिए मैंने ये काम कर लिया, मुझे पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ तो बना रहा है अंदर प्रोटीन, जिसकी वजह से ये रूट में गांठे पड़ रही, रूट नॉट डिजीज हो रही है। तो इससे बचाने के लिए मैंने यहाँ पर देखा कि ठीक है यार ये वाला प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर गांठे बन रही है, यानी कि यहाँ पर नॉट डिजीज हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर मैंने क्या करा बेटा, मैंने अपना दिमाग लगाया, बायोटेक्नोलॉजी तो आती है मुझे, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई मैं एक ऐसा जीन लाऊंगी जो नेमेटोड स्पेसिफिक होगा, जो भी नेमेटोड आएगा उसके लिए स्पेसिफिक जीन होगा। वो स्पेसिफिक जीन मैं निकाल के लाई और उस स्पेसिफिक जीन से बेटा मैंने आरएनए बनवाया, सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड आरएनए बने, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, डबल स्टैंडर्ड बन गया। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए पता है, मुझे पता चल गया कि भाई ठीक है मेरे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। अब ये प्लांट वापस बेटा, इस प्लांट को अगर कोई वापस अटैक करना चाहेगा, मान लो मैं यहाँ पर वापस बनाती हूँ कि मान लो मेरे पास में ये प्लांट है मेरा बेटा टबैको वाला, ठीक है, ये नॉर्मल पड़ा हुआ है, बेचारे को बहुत परेशान किया बेटा उस नेमेटोड ने, बहुत परेशान किया। तो लास्ट में मैंने बेटा क्या किया, लास्ट में मैंने पता है क्या किया, मैंने किया कि भाई इस प्लांट को अब की बार ये नेमेटोड आएगा या कोई और नेमेटोड आएगा जो इसको परेशान करने आएगा, है ना, इसको परेशान करने मतलब अपना जीन इसमें डालेगा, है ना, अपने मतलब खुद इसके अंदर एंट्री करेगा, एंटर करके प्रोटीन बनाएगा, राइट। तो मैंने क्या करना है ना, अब की बार ये जो बनाएगा इसने अपना जीन डाला या अपना डीएनए डाला, तो इस डीएनए से जैसे ही एमआरएनए बनने लगेगा, ये एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा,
नॉर्मल तो ये यही करेगा ना, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। मैं बेटा जी इसका प्रोटीन रोकना चाहती हूँ कि अगर मैं इस एमआरएनए से वो प्रोटीन ना बनने दूं, क्योंकि बेसिकली वो प्रोटीन ही तो है जो इसको बीमारी कॉज कर रहा है ना, प्रोटीन ही तो था जो इसको बीमारी कॉज कर रहा था। प्रोटीन कौन बना रहा था? ये सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी कि जो जीन था वही तो प्रोटीन बना रहा था। तो मैंने क्या करना है ना कि भाई मैं चाहती हूँ कि ये प्रोटीन बने ही ना, अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो मेरा प्लांट सेफ हो जाएगा। तो प्रोटीन अगर नहीं बनवाना चाहती तो मुझे एमआरएनए को भी स्टॉप करना पड़ेगा कि भाई एमआरएनए आगे प्रोटीन ना बनाए। तो एमआरएनए की एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो एंटी सेंस और सेंस स्ट्रैंड को मिलाकर मैंने डबल स्टैंडर्ड आरएनए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो बेटा जी मैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेकर आती हूँ और वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए इस सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए के पास चिपक चिपक कर इसके साथ ऐड हो जाता है और ऐड होकर बेटा इसको प्रोटीन आगे नहीं बनाने देगा। जब तक बेटा ये एमआरएनए सिंगल स्टैंड रहेगा तब तक ये प्रोटीन बनाएगा। इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, हर एमआरएनए का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। मैंने इसके अधिकार को तोड़ना है, मैं चाहती हूँ प्रोटीन ना बनाए, तो क्या करूंगी मैं, ऐसे करूंगी सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए है इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए मैंने बना के रखा हुआ है अपने पास में वो लाकर इसके ऊपर चिपका दूंगी। कई बच्चे पूछते हैं कि मैम ये क्या ये ट्रिपल स्टैंडर्ड एमआरएनए है? नहीं जी, ये ट्रिपल स्टैंडर्ड एमआरएनए नहीं है, ये बस इतना है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ये इससे जुड़ जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से। ये क्या है? ये है बेटा जी मेरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका रिसोर्स क्या है बेटा, इसका रिसोर्स क्या है, कहां से लाई हूं मैं इसको, ये कहां से बनाया है मैंने, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाला था ना, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन से बना है बेटा ये, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन से मेरे पास क्या बना है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए नेमेटोड स्पेसिफिक जीन से बना है। और ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन कौन, कोई सा भी हो सकता है बेटा, ट्रांसपोजोन हो सकता है, जंपिंग जीन, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये जो हमारा नेमेटोड स्पेसिफिक जीन होता है ये इसका रिसोर्स है। इस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया। इसने दो तरीके के आरएनए बनाए थे आपके पास में, एक था एंटीसेंस, एंटीसेंस आरएनए, एक था आपके पास में सेंस आरएनए। दो तरीके के आरएनए स्ट्रैंड्स बनाए, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स, दोनों मिलकर डबल स्टैंड बन गए और डबल स्टैंड आरएनए जो था इस एमआरएनए के साथ में जाके अटैच हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या ये एमआरएनए अब काबिल है प्रोटीन बनाने के? नहीं है, बिल्कुल भी काबिल नहीं है। यही होता है बेटा साइलेंसिंग, आरएनए की साइलेंसिंग। मैंने किसको साइलेंट कर दिया, ये जो आरएनए था, इस नेमेटोड ने अपना जीन इसमें ट्रांसफर करके जो बना रहा था ना प्रोटीन, मैंने इस नेमेटोड के आरएनए को साइलेंट कर दिया ताकि ये आरएनए आगे जाके वो किलर प्रोटीन ना बना पाए, ठीक है, या फिर जो रूट में नॉट कॉज कर रहा था, गांठे कॉज कर रहा था, वो प्रोटीन ना बना पाए, उसको आरएनए को साइलेंस कर दिया। और साइलेंस करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को मैं कहां से लाई, मैंने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन से बाहर अपने पास बना के रखा हुआ था कि मुझे पता है कि जब असली के अंदर ये नेमेटोड जब आएगा अटैक करने के लिए तो मेरे पास में ये चीज रेडी होनी चाहिए, ये जो चीज है डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये रेडी होना चाहिए ताकि जैसे ही नेमेटोड अटैक करने आए मैं ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए इस एमआरएनए के ऊपर डाल दूं और इसकी एक्टिविटी को रोक दूं, साइलेंट कर दूं उसको। तो साइलेंट कर दिया, बन गया, और यहां पर प्रोटीन मैंने बनाना रोक दिया बेटा। यहां पर बेटा ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आरआईएससी बोलते हैं, आरआईएससी बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा हमारे पास में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन चुका है कॉम्प्लेक्स, एंड जो होता है आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरआईएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं लिख दूं, आरआईएससी का होता है बेटा आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। नाम से पता चल रहा है भाई, आरएनए ने ही इंड्यूस करा है। आरएनए ने इंड्यूस कैसे किया होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए ने बेटा ये इंड्यूस करा है, बनाया है इस कॉम्प्लेक्स को, और इस आरआईएससी कॉम्प्लेक्स की वजह से हम प्रोटीन यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। और ये प्रोटीन अगर नहीं बनेगा तो हमारा प्लांट बच जाएगा बीमारी से। इसको बोलते बेटा साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग, ठीक है। हमने क्या किया कि साइलेंसिंग करते बेटा, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को तो बाइंड किया, रोका है हमने एमआरएनए से, जो प्रोटीन बना था प्रोटीन को तो रोका है हमने बनने के लिए। एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, तो ट्रांसलेशन को रोक लिया। ट्रांसलेशन को रोकते ही एमआरएनए की हमने क्या कर दी, साइलेंसिंग कर दी। एमआरएनए को कहा चुप बैठ जा भाई, प्रोटीन बनाने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को, साइलेंस कर दिया मैंने, ठीक है। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म बाय एन इन्फेक्शन
by virus having RNA genomes और mobile genetic elements. Mobile genetic elements को हम transposon बोलते हैं, मतलब ऐसे genes होते हैं जो हमें, हमारे पास external genes होते हैं जो, जिनको हम jumping genes भी बोलते हैं. Mobile genes होते हैं वो, जो movable होते हैं, उनको हम transposon बोल सकते हैं. या फिर किसी वायरस का जीनोम ले लूंगी मैं, किसी वायरस का डीएनए फ्रेगमेंट ले लूं, या तो सॉरी किसी वायरस का जीनोम का फ्रेगमेंट ले लूं, या तो मैं किसी दूसरे जीन को, ट्रांसपोजोन को लेकर आ जाऊं. तो ये मेरे पास में जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन था बेटा, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन या तो ट्रांसपोजोन हो सकता है या तो किसी वायरस का जीनोम हो सकता है. ठीक है, तो या तो किसी वायरस का जीनोम ला सकती हूँ या तो ट्रांसपोजोन हो सकता है. दोनों टाइप के ही मैं कोई सा भी इसमें से चूज कर सकती हूँ नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, और उसको यूज करते हुए मैं एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड बनाऊंगी. डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो रोक देगा प्रोसेस को. ठीक है, हाँ जी, ये बात हो गया. अच्छा, एक बात बताइए, हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर कैसे किया. अगर आप नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को बेटा इस प्लांट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे पास ये नहीं बन पाएगा ना डबल स्टैंडर्ड. तो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करने के लिए बेटा वेक्टर लगेगा. जीन को किसी भी होस्ट सेल में डालने के लिए वेक्टर लगता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है. तो बेटा यहाँ जो वेक्टर लगता है, इस जीन को मैं डालूंगी प्लांट के अंदर, तो यहाँ जो वेक्टर लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा, टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से निकाला गया बेटा जो प्लाज्मिड होता है, या एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड जो होता है, टीआई प्लाज्मिड जिसको हम बोलते हैं, उसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं. तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, प्लांट के अंदर आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम का ही यूज करते हैं प्लांट के अंदर. एनिमल्स के अंदर हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं एज एन वैक्टर, आपको बताया था मैंने. और एज अ वैक्टर प्लांट के अंदर मैं एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करती हूँ. ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन जो होती है इनको हम किस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, होस्ट के अंदर, होस्ट प्लांट के अंदर. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वॉज सच दैट इट इज प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए. जैसे मैं वो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डालूंगी, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए बनेगा होस्ट सेल के अंदर. एंड दोनों आरएनए जो होते बेटा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है. एंड दैट इज That initiated RNA interference. ये double stranded RNA जो होता है बेटा, ये क्या करता है, initiate करता है RNA interference को. And silence the specific mRNA. Nematode में जो बना हुआ उसका specific mRNA था, जो nematode खुद बना रहा था, ये nematode का specific mRNA, इसको मैंने silent कर दिया. किसकी help से, double stranded RNA से. कहाँ से लाई double stranded RNA, transposon हो सकता है या कहीं से भी, मतलब वायरस का जीनोम हो सकता है, ट्रांसपोजोन हो सकता है. उसको लेते हुए मैंने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल करके प्लांट में डाला, और प्लांट ने डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनाया. डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो उस नेमेटोड वाले आरएनए के ऊपर अटैक करता है और उस आरएनए की बेटा ट्रांसलेशन को साइलेंट कर देता है. दैट इज कॉल्ड द आरएनए साइलेंसिंग प्रोसेस. द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव. ये जो नेमेटोड आया था यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पर इसके एमआरएनए को हमने साइलेंट कर दिया. भाई जब ये प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा तो बेटा इसका क्या होता ना, ये वहाँ पर जीवित ही नहीं रह पाता, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाता है वहाँ पर. ठीक है, ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर ये सर्वाइव नहीं कर पाता और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, अपने आरएनए से प्रोटीन नहीं बना पाता है. तो कोई स्पेसिफिक यहाँ पर आरएनए, मतलब आरएनए से प्रोटीन नहीं बना पाएगा. एंड ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, राइट. तो इस प्लांट के अंदर जब मैंने वो पूरा नेमेटोड स्पेसिफिक जीन एकदम लाके छोड़ दिया है, तो ये प्लांट बेटा मॉडिफाई कर दिया है मैंने, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट. पहले ये नॉर्मल प्लांट था, इस नॉर्मल प्लांट के अंदर नॉर्मल नेमेटोड आ रहा था, बीमारी कॉज कर रहा था, क्योंकि इस प्लांट के अंदर मैंने कोई भी जीन ट्रांसफर नहीं किया था. इस प्लांट में मैंने ऐसा कोई नेमेटोड स्पेसिफिक जीन नहीं डाला जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा और साइलेंसिंग की प्रोसेस करेगा. लेकिन जैसे बेटा मेरे को पता चला कि यहाँ पर ये रूट नॉट डिजीज कॉज हो रही है टबैको प्लांट में, तो मेरे दिमाग में आइडिया है, बायोटेक्नोलॉजी तो आती है, चलो काम करते हैं और अपन ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इसमें ट्रांसफर करते हैं. और नेमेटोड स्पेसिफिक जीन जैसे इसमें डाला तो ये प्लांट अब नॉर्मल नहीं रहा, ये मॉडिफाइड प्लांट हो चुका है. नया जीन मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहला चुका है ये, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ ट्रांसजेनिक प्लांट. और ये ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसा प्लांट हो चुका है कि इसमें जो स्पेसिफिक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन आई है वो आरएनए को साइलेंस करेगी. जो मेन हमारा नेमेटोड है अगर इसको इन्फेक्ट करेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को अगर अब नेमेटोड आके इन्फेक्ट करेगा तो उस नेमेटोड को छोड़ेगा नहीं ये प्लांट. क्यों? क्योंकि इस प्लांट पे मैंने अपनी नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल रखी है, वो जीन इसके आरएनए को साइलेंट करेगी, इसके आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देगी. और अगर इसके आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो बेटा ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो ऐसे प्लांट अपनी रक्षा कर रहा है.
तो बेटा ऐसे ही आरएनए इंटरफेरेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट में ही बनता है, हमारे अंदर हमारी बॉडी में सेलुलर डिफेंस के लिए भी बनता है, आरएनए इंटरफेरेंस चलती है। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं ये डाइसर होता है, डाइसर कुछ भी नहीं है, आरएनए का जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना उसी को हम डाइसर बोल रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है बेटा वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ में बाइंड कर जाता है और बाइंड करते बेटा इसका जाके प्रोटीन नहीं बनने देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर टुकड़े भी होते हैं, इसका कोई आपको कोई काम है नहीं, यहाँ पर कौन से एंजाइम्स का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाँ जी, PBR322 क्या है? PBR322 बेटा कल की क्लास में हमने बताया था। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं ये वायरस या ट्रांसपोजोन का हमने जीन लिया था, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, उस जीन ने क्या करा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया। अब ये नेमेटोड होता है बेटा, नेमेटोड के अंदर क्या होता है, वो अपना आरएनए बनाएगा, उस आरएनए से बेटा यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए उस नेमेटोड के आरएनए से चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं डाइसर। ठीक है, डाइसर बन जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ में, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ में इसके साथ में अटैच हो जाता है। फिर बेटा RISC कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, ये आपका mRNA जो नेमेटोड का था, अब आपका ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा बेटा RISC का फुल फॉर्म क्या है आपके सामने लिखा है बेटा, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RNA induced silencing complex, a complete complex, RNA का complex and double stranded RNA का complex, this is the RISC, RNA induced silencing complex, very important mechanism and इसकी वजह से बेटा यहाँ पर प्रोटीन नहीं बन पाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, अब तक हमने देखो बेटा बात करी थी मैंने आपको शुरू में ही चैप्टर में बताया था कि इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को दो जगह इस्तेमाल कर रहे होंगे, पहला फील्ड के अंदर, पहला हम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होंगे जैसे कि हमारी क्रॉप की इम्प्रूवमेंट में, हमारे फूड प्रोडक्शन में हम बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर टू बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल एरियाज में मैं कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने देश को या अपने वर्ल्ड को सर्व कर सकती हूँ, अच्छी मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन देकर, राइट। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, RDN देखिए, अब मेडिसिन के ऊपर आ चुके हैं, प्लांट वाला सिस्टम पूरा हो चुका है, प्लांट वाले सिस्टम में दो मेजर चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, BT कॉटन कैसे प्रोड्यूस हुआ, नंबर टू RNA साइलेंसिंग क्या होती है। ओके, नंबर थ्री आते हैं मेडिसिन के अंदर, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेस्ड हैव मेड इमेंस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स, ज्यादा से ज्यादा अच्छी इफेक्टिव क्वालिटी ड्रग्स, यानी ड्रग्स मतलब मेडिसिन बनाकर इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस द अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए बेटा बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि डायबिटीज तो हमारे कंट्री में इतना ज्यादा कॉमन है, तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए इंसुलिन। पहले के टाइम पर बेटा जब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, आज के जमाने में तो हम बायोटेक्नोलॉजी का भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले जब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी ना तब हम इंसुलिन का कैसे इस्तेमाल करते, पता है ये इंसुलिन कहाँ से लाते थे, क्योंकि लोगों को मरने के लिए थोड़े ना छोड़ दें, या तो ऐसा हो सकता है कि आप मरने के लिए छोड़ दो उनको कि वो ठीक है उनको इंसुलिन नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा तो मरेंगे। दूसरा आपके पास ये हो सकता है कि इंसुलिन आप लेकर आओ, कहाँ से लाओगे ये इंसुलिन को बेटा, आपको लाना पड़ेगा जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे मैं काऊ के पास में या बफेलो के पास में गई, मैं उनका पैनक्रियाज निकालती हूँ, पैनक्रियाज के अंदर से उनका इंसुलिन निकालती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे जो पैनक्रियाज होता है वही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, राइट। पैनक्रियाज में आपकी बीटा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, है ना, बीटा सेल्स आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, अल्फा सेल्स ग्लाइकोजन ग्लूकागोन प्रोड्यूस करती है, राइट। तो आपकी जो जो काऊ है बफेलो उनकी उनके अंदर भी वही पैनक्रियाज है, तो मैंने क्या करना ना, इंसुलिन जो है या तो मरने के लिए छोड़ दो लोगों को, अगर आप मरने के लिए नहीं छोड़ रहे हो तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, अदर ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी से आप उनके पैनक्रियाज को लेकर आओ, उनके पैनक्रियाज से बेटा जी क्या निकाल लो, इंसुलिन निकाल लो। ठीक है, अगर उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालूंगी और इस इंसुलिन को मैं ट्रांसफर करूंगी बेटा ह्यूमन बींग में, तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स के पास में क्या होती है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में इम्यूनिटी होती है, और इम्यून सिस्टम को खुद को इतनी अक्ल है, इतनी समझदार हमारा इम्यून सिस्टम है कि वो पहचान सकता है कि कौन मेरा और कौन पराया है। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इट कैन रिकॉग्नाइज कि कौन मेरा है कौन अपना है, कौन मेरा है कौन पराया है, तो अपने पराये में भेद अच्छे से कर सकता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो अगर बेटा हमारे इम्यून सिस्टम में आपने किसी और का इंसुलिन डाला होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो वो इंसुलिन तुम्हारे डाला कोई काम का नहीं आया, अब तुमने गाय को और बेचारी को तकलीफ दे दी कि उसके पैनक्रियाज से निकाल के लाए।
है ना, तो उस गाय को भी तकलीफ मिल गई और तुम्हारे भी कोई काम का नहीं रहा हो इंसुलिन, तो बेटा ये तो काम की चीज नहीं रही ना हमारे, कि उसको भी तकलीफ हो गई और हमें भी हमारी तकलीफ का भी कोई निदान नहीं निकला। अब मान लेते हैं कि इन केस आपका इम्यून सिस्टम जो है आपको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे दे, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करना कम कर दे या इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर ले इस इंसुलिन को, फिर भी अपन देखें तो कितनी गायों के पैनक्रियाज से आप लाओगे, इतनी तो गायें भी नहीं है हमारे पास में जितने लोगों को डायबिटीज हो रखा है दुनिया में, इतनी गायों को काट काट के उनका पैनक्रियाज लेके आओगे क्या, ये तो नहीं कर सकते ना अपन, तो हमारा तो फूड साइकिल पूरा बिगड़ ही जाएगा, फूड फूड जो हमारा क्या बोलते हैं उसे वेब, फूड वेब तो बिगड़ जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तो नहीं कर सकते अपन। तो इसलिए इसका ऑल्टरनेट ढूंढा गया कि भाई क्या ऑल्टरनेट हो सकता है, तो हमको पता चला कि बेटा हमारी बॉडी में ना एक बहुत खास चीज होती है, देखो प्रॉब्लम जहां से शुरू होती है ना सोल्यूशन भी वहीं छुपा होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि हम प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं सोल्यूशन पे फोकस ही नहीं करते। बेटा जी आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही के पास में है, आप देखो तो सही, बच्चे बोलते हैं हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हमसे बैठा ही नहीं जा रहा, सवाल नहीं होते हैं, हमसे फिजिक्स सॉल्व नहीं होती है, हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है। भाई जब दिमाग को तुम दिन रात ये बताओगे कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे दिमाग को कुछ आता जाता नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करेगा, तुम्हारा दिमाग तो यही कहेगा ना कि भाई ठीक है मेरे को तो नेगेटिव थॉट्स ही दिए जाते हैं, मेरे को तो यही कहा जाता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है फिर नहीं करते कुछ, है ना। जब दिमाग को ये बोलोगे बार बार कि यार तू कर सकता है, तेरे अंदर है वो पोटेंशियल, तो कर लेगा वो, तो पॉजिटिव थॉट्स हमेशा भरने चाहिए दिमाग के अंदर। वही चीज होती है बेटा, हमारे पास सोल्यूशन था इसका कि हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन थी, वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन का मैं इस्तेमाल कर सकती थी। मैंने क्या किया बेटा, उस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को लिया कि भाई ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है ना, मैं इस जीन को बहुत ज्यादा क्या करूंगी, रेप्लीकेट करूंगी, इतनी ज्यादा कॉपीज बनाऊंगी इसकी, बहुत ज्यादा कॉपीज बनवाऊंगी, है ना। बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करते करते मैंने अपने लैब मतलब लार्ज स्केल पे इतना ज्यादा इसको इस जीन से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनवाया, बैक्टीरिया में डालूंगी ना ये जीन, ट्रांसफर करूंगी बैक्टीरिया को, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊंगी, है ना, वेक्टर में डाल के इस जीन को बैक्टीरिया में डालूंगी, बैक्टीरिया बढ़िया ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो फिर मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्रोडक्ट मैं ले जाके मार्केट में बेचूंगी, है ना। तो वो काम तो इजी है कि मेरे पास में भाई ऐसी मशीन भी है पीसीआर का इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि मैं हेल्प से उसकी हेल्प से मेरे जीन की डिजायर जीन की 1 बिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बना सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूं उसका इस्तेमाल, मैं क्यों बेचारे दूसरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करूं, है ना। तो ये वाला प्रोसेस बेटा कट कर दिया हमने, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम भी वैसे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दूसरा चीज, हम कैसे गायों को काट सकते हैं, है ना, गायों को क्यों हम नुकसान पहुंचाए, तो हमने क्या करा, हमने करा बेटा जीन का इस्तेमाल कि भाई एक जीन लाओ, इसकी हम बहुत सारी ढेरों सारी कॉपी बनाएंगे, और कॉपी कहाँ बनवाएंगे, बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं इस जीन को, जो डिजायर्ड जीन है बेटा, इस डिजायर्ड जीन को मैंने क्या करा, ये मेरा डिजायर्ड जीन था जो इंसुलिन बना रहा था, इसको मैंने वेक्टर के साथ में ऐड कर दिया, बन गया मेरा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा मैं बैक्टीरिया की सेल में डालूंगी और इस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम पे इतना सारा कल्चर कराऊंगी कि अपना इतना ज्यादा ग्रोथ कर ले, अपना नंबर इतना बढ़ा ले, और बैक्टीरिया बेटा जैसे नंबर बढ़ाएगा तो आगे जाके बेटा ये प्रोटीन बना के देगा मुझे, या फिर जो भी मेरा डिजायर प्रोडक्ट है ना, एंजाइम भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, वो बना के देगा। और ये क्योंकि इंसुलिन वाला जीन डाला था तो ये इंसुलिन बना के देगा, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन ही तो है, हार्मोन तो होता है, हार्मोन कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन वाला हार्मोन है ना, दो टाइप के हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन, ये प्रोटीन हार्मोन है, तो मेरे पास बन गया प्रोटीन, अब इंसुलिन लाओ बेचो, बढ़िया है काम, ठीक है। तो ऐसे बेटा बायोटेक्नोलॉजी इतना अच्छे से प्यारे तरीके से हमारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसका, ठीक है। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human health. देखिए हमारे human use के लिए बहुत ज़्यादा therapeutics का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो 30 से ज़्यादा therapeutics approved हो चुकी हैं जो हमने biotechnology के through produce करी हैं, okay? तो ये जो होती है बेटा, हम इनको 30 में से 12 को हम already market में क्या कर चुके हैं, place कर चुके हैं market में, हम उसको बढ़िया से बेच रहे हैं। अब बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन की, सेम बात बेटा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। अगर आप रेगुलर टाइम इंटरवल से इंसुलिन का इंटेक ले रहे हो तो आप अपना डायबिटीज मेंटेन कर सकते हो। व्हाट वुड बी अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वर नॉट अवेलेबल। भाई तुम्हारे घर में अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर तुम्हें उस डायबिटिक पेशेंट को तुम इंसुलिन लाके नहीं दे पा रहे हो तो डायबिटिक पेशेंट का होगा क्या, सोचा है कभी? इफ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे एनिमल्स का इस्तेमाल करो, वहां से दूसरे एनिमल से इंसुलिन निकालो और अपनी बॉडी में ले जाओ, राइट, एंड इंसुलिन को उनको एक्सट्रैक्ट करो दूसरे एनिमल से और आप डाल लो अपनी खुद की बॉडी में। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो होती है बेटा, वो उसको आपके इम्यून रिस्पॉन्स जो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल,
अगर इमेजिन करो, क्या अगर हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया होता जो हमें बहुत सारा इंसुलिन बना के देता, तो मैं उस बैक्टीरिया को बहुत सारा ग्रो करवाती और उससे बहुत सारा इंसुलिन बन जाता, ठीक है। तो मैंने बैक्टीरिया को ग्रो, मतलब बैक्टीरिया अगर मुझे ह्यूमन इंसुलिन बना के देते तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, राइट। तो सडनली द होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल, यू कैन इजीली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक एज मच एज इंसुलिन यू वॉन्ट, राइट। इस बैक्टीरिया को जितना ज्यादा ग्रो हो सकता है करवा लो और बना लो इंसुलिन। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली। देखिए ये सवाल एक बहुत कॉमन सवाल है जहां से आपको बोला जाता है कि क्या आप एक इंसुलिन को डायबिटिक पेशेंट को ओरली दे सकते हो। जनरली क्या होता है ना, इंसुलिन को हम इंजेक्शन में भर के लगाते हैं, है ना, सिरिंज की फॉर्म में लगाते हैं। सिरिंज की फॉर्म में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो प्रोटीन हार्मोन है। कभी भी प्रोटीन को हम डायरेक्टली मुंह से नहीं खाते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन कभी भी नहीं खाया जाता बेटा, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट को अगर इंसुलिन देना तो वो ओरली कभी नहीं दिया जाएगा, उसको इंजेक्ट ही करवाया जाएगा, ठीक है। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटिक वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। कैटल एंड पिग्स से हम वहां पर निकालते थे, एंड इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल रिसोर्स दो कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप। भाई दूसरे का इंसुलिन लिया है तो मैंने अपनी बॉडी में तो एलर्जी तो कॉज करेगा ना, इम्यून तो रिस्पॉन्स आएगा, इम्यूनिटी तुम्हारी रिस्पॉन्स करेगी और फॉरन प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इंसुलिन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर मैं इंसुलिन की स्ट्रक्चर देखूँ या प्रोटीन की चेन देखूँ, मतलब इंसुलिन बेसिकली प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन किससे बनता है, पॉलीपेप्टाइड से। यहाँ पर एक नहीं दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी एक ए पॉलीपेप्टाइड चेन है और बेटा जी मेरे पास में एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो इंसुलिन बनाती है, वो होती है बी, तो ये हो गई बेटा बी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये हो गई बेटा जी मेरे पास में ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है मिलकर क्या बना रही है, मेरी इंसुलिन बना रही होती है। ओरिजिनल इसकी यही होती है स्ट्रक्चर। ये ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो लिंक्ड होती है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। बेटा इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है बेटा, डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पर लगे होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज से ये दोनों चेन्स बनी हुई होती है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन लाइक अ प्रो एंजाइम। द प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स अ फुली मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। देखिए ये तो है इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ये तो है बेटा हमारा इंसुलिन जो कि एक्टिव इंसुलिन है, जो हमारी बॉडी में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है। इसके पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ए एंड बी, उन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। लेकिन बेटा ये इंसुलिन क्या ऐसे ही बन गया है, क्या टॉपर ऐसे बन जाते हैं, क्या आपको लगता है कि टॉपर पढ़ते नहीं होंगे, आपको सबको क्या दिखती है, सक्सेस दिखती है, ओ माय गॉड इसका तो लक इसके साथ में था तो सक्सेस मिल गई। लक वक बहुत 1-2% होता है, लक नहीं होता, उसके पीछे होती है दिन रात पता नहीं कितनी बेचारे ने पढ़ाई करी होगी, मेहनत करी होगी, कितनी रातें काली करी होगी, तुमको क्या पता, तुमको तो 1 सेकंड लगा कि इसका तो लक बहुत अच्छा था। देखो लक इसे कहते हैं टॉपर में। भाई बाई लक टॉपर कोई नहीं बनता है, कोई ऐसे ही बैठा चलता फिरता आदमी बाई लक टॉपर नहीं बन जाएगा नीट का, कैसे बनेगा, रातें काली करी होंगी, सुबह सुबह जल्दी उठा होगा, मेहनत करी होगी, इतनी मेहनत करी होगी, नींद सैक्रिफाइस करी होगी, बर्थडे पार्टी सैक्रिफाइस करी होगी, किसी के शादी में जाना सैक्रिफाइस करा होगा, क्या क्या सैक्रिफाइस करा होगा, तब जाके भाई वो दुनिया की नजरों में आया है। और जब दुनिया की नजरों में कोई आ गया होता है तो आपको क्या लगता है कि उसने तो मेहनत करी ही नहीं, उसने क्या किया, उसका तो लक उसके साथ में था। यार लक वक साथ नहीं होता है, पीछे मेहनत लगी होती है, वो दिखती नहीं है किसी को, इसीलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के भाई तुम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते हो। लक वक सिर्फ 1-2% होता है, वो भी बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, मेहनत। तो हमारे इंसुलिन की बेटा मेहनत होती है, असली जो इंसुलिन है ना वो ऐसा होता है। लेकिन इससे पहले इसकी स्ट्रक्चर पता है कैसी हुआ करती थी, इसे बेटा 3 चेन्स हुआ करती थी। देखिए इस तरीके की 3 चेन्स हुआ करती थी, ए और बी चेन तो होती ही है मेन, इसमें सी चेन एक फ्री थी, फ्री मतलब जो इनके साथ में बॉन्ड नहीं बनाती थी, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाती थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड है ए और बी के बीच में, सी के पास में कोई डाइसल्फाइड चेंज नहीं होता है, इसको हमने फ्री किया है, पहले नहीं हुआ करती थी ऐसे फ्री। पहले देखिए क्या हुआ करता था, ये आपके पास ए पॉलीपेप्टाइड चेन है ब्लू वाली, ग्रीन वाली बी है, और ए और बी के बीच में बेटा ये जो सी है वो फ्री में लगी हुई है, ये उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन, प्रो एंजाइम या प्रो हार्मोन होता है ये। इस प्रो को मुझे बेटा एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सी वाली है ग्रे वाली लाइन है, ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन है, मुझे इसको निकाल के फ्री करना पड़ेगा, और ए और बी को मुझे लाके क्या करना पड़ेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से चिपकाना पड़ेगा। तो प्रो एंजाइम या प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड्स टू प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स अ फुली मेच्योर। तब बेटा इसको जैसे ही मैं प्रो एंजाइम को या प्रो हार्मोन को प्रोसेस करूंगी, तब ये सी वाली को मैं बाहर निकाल के फेंकूंगी और ये इनको जोड़ दूंगी, अब ये बन गया है बेटा फुली मेच्योर इंसुलिन,
सी को निकालते ही बाहर तब बना है फुली मैच्योर, सी जब था तब वो फुली मैच्योर नहीं था, ठीक है. विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा फंक्शन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल सी पेप्टाइड उसके पास में होता है. दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट. सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, इमैच्योर में होता है, प्रो एंजाइम या प्रो हार्मोन में होता है. एंड रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जैसे इंसुलिन का मैच्योरेशन करने जाते हैं तो सी को बाहर हम निकाल देते हैं. द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आर डी एन ए टेक्निक्स वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इन टू अ मैच्योर फॉर्म. हमारा मेन टेक्निक, हमारा मेन प्रॉब्लम यही तो है कि जो प्रो हार्मोन है ए एंड बी चेन, इसके साथ में जो बीच में सी चेन है, इस सी चेन को मैं बाहर निकाल कर ए और बी को मतलब बाइंड कर दूँ डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ये मेरा चैलेंज है. मैं ये यही मेरा मेन चैलेंज है ना, इसमें ही मैं यहाँ पर चैलेंज फेस कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को. यहीं पर मेरे को बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन 1983 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एली लिली नाम की एक कंपनी थी बेटा, अमेरिकन कंपनी थी, और उसने क्या करा बेटा, ऐसे दो डीएनए सीक्वेंस रेडी करे जो कि ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन से बिल्कुल मैच करते हैं. ये जो ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन है ना बेटा, इससे बिल्कुल मैच करने वाले दो डीएनए सीक्वेंस हमारे रेडी करे गए हैं. किसने करे रेडी है, ये रेडी करे हमारे एली लिली कंपनी ने. ये डीएनए सीक्वेंस है, ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है. डीएनए सीक्वेंस रेडी करे हैं, चेन यहाँ पर करा है जो ए और बी के चेन के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है ह्यूमन इंसुलिन के अंदर. एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इनटू अ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स. देखिए इस डीएनए फ्रेगमेंट को, ये ए दो डीएनए सेगमेंट्स है, ये एक डीएनए सेगमेंट है बेटा जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन से कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये दूसरा डीएनए सेगमेंट है जो बी पॉलीपेप्टाइड से कॉरेस्पॉन्ड करता है. मैंने क्या करा, मान लो कि ये डीएनए सेगमेंट जो है मैं इससे प्रोटीन बना इंसुलिन बनाना चाहती हूँ, तो मैंने ए और बी दोनों को क्या करा बेटा जी, कहाँ पे ट्रांसफर करा, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर. ये बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने से फायदा क्या होगा, इस जीन को, ये जीन ही तो है डीएनए सेगमेंट, इसको ट्रांसफर करेंगे तो जीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और मेरा इंसुलिन मुझे मिल जाएगा. इंसुलिन क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन में ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. जो भी ए और बी का स्ट्रक्चर होता है वो सेम स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर अगर मैं लैब में बना लूँ, ठीक है, जीन के फॉर्म में या डीएनए के यू नो सेगमेंट के फॉर्म में, सेम ही डीएनए सेगमेंट मगर इसमें ट्रांसफर कर दूं तो बन जाएगी ना मेरे पास सेम की सेम ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये मेरे पास में ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड बना के देगा कि नहीं देगा, बैक्टीरिया बना के देगा ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, है ना. यहाँ पर मैं इसमें ट्रांसफर करूंगी बैक्टीरिया के अंदर इन पॉलीपेप्टाइड को, जैसे मैं ट्रांसफर करूंगी तो मेरे पास में इंसुलिन बन जाएगा. चेन ए एंड चेन बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, दो मेरे पास में बेटा चेन ए अलग बनती है, चेन बी अलग बनता है, दोनों मेरे पास अलग अलग सेपरेट चेन बन जाती है. क्योंकि देखो मैंने बी सेगमेंट को एक बैक्टीरिया में डाला, ए सेगमेंट को भी मैंने एक बैक्टीरिया में डाला, दोनों को एक साथ एक बैक्टीरिया में नहीं डाला है, क्योंकि हम एक ही जीन को या एक ही डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ में अटैच कर सकते हैं. याद आ रहा ना आरडीएनए कैसे बनाती है, वेक्टर है, यहाँ पर मैंने एक ही जीन डाला है, या तो ये ए हो सकता है या तो ये बी हो सकता है. मान लो ये ए है और बेटा जी ये बी है, तो बेटा ये आरडीएनए मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, बैक्टीरिया के अंदर, इसको भी मैंने कर दिया बैक्टीरिया में. ये बैक्टीरिया बेटा मुझे ए चेन बना के देगा और ये बैक्टीरिया मुझे क्या देगा, बी चेन बना के देगा. लास्ट में क्या करूंगी, दोनों चेन को लूंगी, पकड़ के डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दूंगी. ये बन गया बेटा मेरा लैब के अंदर क्या बन गया, इंसुलिन बन गया है ना. एक्सट्रैक्ट करके दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया और बन गया इंसुलिन. तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंसुलिन कैसे बना और इंसुलिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. डायग्राम आएगा, पक्का आएगा, और पूछेंगे कि इंसुलिन में ए और बी चेन जो होती है इनको जोड़ने के लिए कौन से बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट आता है बेटा जीन थेरेपी. जीन थेरेपी यहाँ पर मेडिसिनल पर्पज में हमने बायोटेक्नोलॉजी का कहा यूज किया. जीन थेरेपी, जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है बेटा, इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पास में ऐसी डिजीज है जो उसको जन्मजात मिली है अपने पेरेंट्स से, अपने है ना उससे मिली है, तो करेक्टिव कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज, मतलब उस डिजीज को खत्म करने के लिए क्या हम उसको कोई थेरेपी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं. जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, कि भाई कोई हेरिडिटरी डिजीज आए, ये पहला सवाल बनता है कि जीन थेरेपी कौन सी डिजीज को ठीक करने के लिए दी जाती है, हेरिडिटरी डिजीज को जो जन्मजात बच्चे में आती है. कि जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन द चाइल्ड एंड एम्ब्रियो. कि मान लेते बेटा ये एक बच्चा है छोटा सा, उस बच्चे के अंदर एक ऐसा जीन आ गया है जो डिफेक्टिव जीन है ना, जो डिफेक्टिव जीन आ चुका है. ये डिफेक्टिव जीन जो है बेटा ये आगे जाके क्या करेगा,
ये डिफेक्टिव जीन है। जीन क्या होता है? डीएनए का फ्रेगमेंट। जीन आगे जाके क्या बनाएगा बेटा? एमआरएनए। और ये एमआरएनए भी कैसा बनेगा? डिफेक्टिव। ये एमआरएनए से बेटा जो प्रोटीन बनेगा वो भी कैसा बनेगा? डिफेक्टिव। तो बेटा वो जो प्रोटीन डिफेक्टिव बन रहा है तो इसकी बॉडी में पूरा सब कुछ डिफेक्टिव बन गया। तो ये तो मैं नहीं चाहती कि डिफेक्टिव बन जाए, है ना, या फिर बने ही ना, या तो डिफेक्टिव बन जाए, तो ऐसा तो बच्चा क्या काम का हो जाएगा बेटा। इसलिए मैंने क्या करा कि भाई ये जो डिफेक्टिव जीन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो बच्चा जब छोटा सा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, छोटा मतलब पैदा होने के बाद छोटा नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब वो डेवलप कर रहा होता है माँ के गर्भ में, तो क्या मैं उस टाइम पर इस जीन को चेंज कर सकती हूँ? तो जीन को बेटा उस टाइम में चेंज कर सकती हूँ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, कि मैं इस डिफेक्टिव जीन को निकाल कर कोई एक्टिव जीन लगा दूं ताकि मुझे एक प्रॉपर मेरा प्रोटीन मिलने लग जाए, डिफेक्टिव प्रोटीन ना मिले। तो बेटा यहाँ पर जीन थेरेपी काम आती है। हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल। इस पर्सन की सेल में जीन को इंसर्ट करूंगी या टिश्यू में इंसर्ट करूंगी ताकि ये बीमारी को हम रोक सके। बीमारी होगी ना, डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा तो बीमारी होगी ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपकी बॉडी में बेटा प्रोटीन ही होता है, आपका बॉडी बिल्डर आपकी बॉडी को बनाया प्रोटीन नहीं है। अगर कहीं पर भी डिफेक्टिव प्रोटीन बन रहा है ना तो आपको बीमारी होगी होगी, ठीक है। तो इसको बीमारी को रोकने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा बेटा, जो मेरा मेन जीन था वो मैंने यहाँ पर डाला, इंसर्ट करा, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड टू कॉम्पनसेट द नॉन फंक्शनल जीन। जैसे बेटा नॉन फंक्शनल जीन का मुझे पता चला, पता चलते मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, नॉर्मल जीन डाला। ये नॉर्मल जीन जो है बेटा जी क्या करेगा, डिफेक्टिव जीन को सप्रेस करेगा, डिफेक्टिव जीन की जगह लेगा और ये नॉर्मल जीन जाकर अपना काम करेगा, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। और सबसे पहली बार बेटा जीन थेरेपी किसमें करी गई, महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 में की गई थी, 4 साल की बच्ची थी, छोटी सी, विथ एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। उसको एडीए की बीमारी थी, एडिनोसिन डी एमिनेज नाम की एंजाइम की कमी थी उसके पास में। ये एंजाइम क्रूशियल होता है फॉर इम्यून सिस्टम ऑफ द फंक्शन टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है एडीए, ताकि उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम कर पाए उस बच्ची का। अब उस बच्ची में एडीए की कमी थी या एडीए का जीन जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डी एमिनेज। भाई जो एडीए नाम का एंजाइम होता है एडिनोसिन डी एमिनेज, जो कि मेरे इम्यून रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, ये एडीए नाम का एंजाइम बनाता कौन है भाई? एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही तो होता है ना एंजाइम। एंजाइम भी प्रोटीन है, हार्मोन भी एक प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को बनाने वाला हमेशा कौन होता है? डीएनए तो होता है। तो इसको बनाने वाला जो जीन है, जीन क्या है? डीएनए का फ्रेगमेंट। तो इसको बनाने वाला जो जीन होता है बेटा वो क्या है? डिफेक्टिव है इसके अंदर, और डिफेक्टिव जीन की वजह से इसमें जो, या फिर हम बोल सकते हैं जो जीन होता है ये क्या हो गया? डिलीट हो गया वहां से। अगर ये जीन ही नहीं बना तो बेटा ये एंजाइम कहां से बनेगा? और एंजाइम ही नहीं बना तो इसमें इम्यून रिस्पॉन्सेस कम होंगे। तो यहाँ पर कॉज हुआ है डिलीशन से, डिलीशन ऑफ द जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर मैं इस बच्चे में बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दूं, उसमें नया बोन मैरो लगा दूं, तो मुझे बेटा नया इसका सही एडीए मिलने लग जाएगा, एडीए बनने लग जाएगा अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दूं। एंड इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। कि भाई मान लो कि तुम इस एंजाइम को ही रिप्लेस कर दो, एडीए की बजाय कोई और एंजाइम लगा दो, एंजाइम रिप्लेस कर दो या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, ये तरीके हो सकते हैं। इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। ये जो एडीए है ये तो फंक्शनल है नहीं ना, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, और ये काम नहीं कर रहा है तो बेटा मेरे को क्या इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ से? क्या मेरे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। जब ये एंजाइम ही काम नहीं कर रहा तो इम्यूनिटी काहे की मिलेगी? तो मैंने क्या किया ना, या तो इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, या तो वो हो सकता है, या तो फिर वो हो सकता है कि आप इसमें जो एडीए जो इनएक्टिव है इसको एक्टिव एडीए दो, और वो एक्टिव एडीए इसको इंजेक्शन के थ्रू दो, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज थिंग्स, अगर मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करूँ बच्चे में, या फिर मैं एडीए भी इसको इंजेक्शन से बाहर से दू, दोनों में प्रॉब्लम बेटा ये है कि दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। वो अच्छे से क्यूरेटिव नहीं है, वो एक बार आपको देंगे रिजल्ट, क्योंकि बाद में क्यूरेटिव नहीं होंगे। एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर। हम इस जीन, इसलिए हम इसको जीन थेरेपी देते हैं बेटा। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देंगे, हम जीन से इंजेक्शन से इसको एडीए डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूरेटिव नहीं होते कम्प्लीटली, कम्प्लीटली इसकी बीमारी इससे जाएगी नहीं। तो इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए हम यहाँ पर जीन थेरेपी फ्रेम में लाते हैं। जीन थेरेपी में क्या करती है बेटा, ये पेशेंट है जिसको एडीए की कमी है, ठीक है, ये पेशेंट होगा, मैं इस पेशेंट की बॉडी से बेटा क्या निकालूंगी, लिम्फोसाइट निकालूंगी। लिम्फोसाइट क्या होती है? WBCs होती है, राइट। लिम्फोसाइट मैंने इसकी बॉडी से निकाली, और ये लिम्फोसाइट्स जो होती है ब्लड
ब्लड से निकालकर मैंने इसको कल्चर मीडियम में बाहर कल्चर करवाया, ग्रो करवाया लिम्फोसाइट्स को. फंक्शनल एडीए यानी कि सीडीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज दैट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट. यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, अगर मैं बाहर से इंजेक्शन से ठोकती एडीए तो कोई काम नहीं आता. मैंने क्या किया, इस बच्ची का लिम्फोसाइट बाहर निकाला, डब्ल्यूबीसी. अब मेरे पास बेटा इसका डब्ल्यूबीसी पड़ा है या लिम्फोसाइट बाहर पड़ा है. मैंने क्या किया, मेरे लैब के अंदर मैंने क्या बना रखा था, फंक्शनल एडीएनए. एडीएनए जो फंक्शनल है वो रेट्रोवायरस की हेल्प से, जो एडीए को बनाने वाला, फंक्शनल एडीए को बनाने वाला जो जीन होता है, उस जीन को बेटा मैंने रेट्रोवायरस में ऐड किया. देखिए ध्यान से, रेट्रोवायरस इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे. प्लांट के अंदर हम एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि प्लांट में वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम होता है, एनिमल्स के अंदर रेट्रोवायरस होता है. मैं रेट्रोवायरस में बेटा इसको इंसर्ट करती हूँ, एडीए वाले जीन को है ना, सीडीएनए को इंसर्ट करती हूँ, है ना, जो फंक्शनल एडीए होता है सीडीएनए को इंसर्ट करती हूँ. और ये सीडीएनए जो है वो इस रेट्रोवायरस में इंसर्ट करके मैं इस लिम्फोसाइट में डाल देती हूँ. ये क्या है, लिम्फोसाइट, बच्ची की लिम्फोसाइट है, उसमें मैंने इसको डाल दिया है इसको, ठीक है. तो ये क्या करेंगे, सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, इस लिम्फोसाइट में मैंने ये सीडीएनए वाला रेट्रोवायरस डाल दिया. अब मैं क्या करूंगी, पेशेंट की बॉडी में इसको फिर से डाल दूंगी. जैसे ही पेशेंट की बॉडी में डालूंगी बेटा, इसके पास में सीडीएनए यानी एडीए, फंक्शनल एडीए बनाने वाला जो जीन है वो इसमें एंटर कर चुका है इसकी लिम्फोसाइट में, और इसकी लिम्फोसाइट जो है इसके ब्लड में मैं ट्रांसफर कर दूंगी. बेटा जैसे इसके ब्लड में ट्रांसफर चल जाएंगी, ऑब्वियसली बात है कि ब्लड के अंदर हमारे ये एडीए, फंक्शनल एडीए को बनाने वाली जीन चली गई है, तो आगे जाके फंक्शनल एडीए बनेगा ना, है ना, तो कम्प्लीटली क्योरेटिव भी होगा ये, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा. एंड हाउएवर एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, ये जो होती है बेटा ये इमोर्टल तो है नहीं, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स. देखिए अमर तो है नहीं, डब्ल्यूबीसी का भी एक टाइम आता है, 10-15 दिन बाद मर जाती हैं, उनका एज होता है एक, है ना, 10-15 दिन बाद मर जाएंगी. तो फिर बेटा जिन डब्ल्यूबीसी, जिन लिम्फोसाइट में मैंने ये सीडीएनए डाल रखा था, अब मैंने जैसे इसकी बॉडी में डाला तो 15 दिन तक तो ठीक है चलेगा, बढ़िया एडीए जनरेट हो रहा होगा, लेकिन 15 दिन बाद में ये जो डब्ल्यूबीसी है इनका लाइफ साइकिल खत्म होगा, मर जाएंगी, ये इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है. तो मैंने क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी. हर 15 दिन में मुझे उसका ब्लड निकालना पड़ेगा, उसके ब्लड में लिम्फोसाइट के अंदर मुझे वापस डालना पड़ेगा और इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो मुझे बार बार ये काम करना पड़ेगा लिम्फोसाइट के अंदर. हाउएवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी परमानेंट क्योर. ये भी परमानेंट क्योर नहीं है बेटा. लिम्फोसाइट के अंदर मैं बार बार डाल रही हूँ, हर 15 दिन में मुझे जरूरत पड़ रही है, इसमें इंसर्ट कर रही हूँ, तो क्या ये कम्प्लीटली क्योरेटिव है क्या? मुझे तो हर 15 दिन बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हर 15 दिन बाद करना पड़ेगा. तो इससे बेटर क्या होता कि इस बच्ची को 4 साल की होने क्यों दी, ये जब बच्ची छोटी थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, उसी टाइम उसका इलाज कर देते ना, जब आपको पता चल गया था कि इसमें डिफेक्टिव जीन है. और आजकल तो हम एमनियोसिंथेसिस करके भी पता लगा सकते हैं डिफेक्टिव जीन्स का, या हम और भी बहुत सारे तरीकों से पता लगा सकते हैं कि बच्चे में डिफेक्टिव जीन है या नहीं. तो उस डिफेक्टिव जीन का अगर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल गया होता, जब वो बच्ची बर्थ ही मतलब हुआ ही नहीं था उसका बर्थ, उस टाइम पर अगर आपने उसके बोन मैरो में एडीए, फंक्शनल एडीए वाला जीन ट्रांसफर कर दिया होता, उस टाइम पर अगर आपने उसके बोन मैरो में बेटा एडीए बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया होता, तो आज उसको ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती, वो परमानेंटली वो ठीक हो जाती, उसको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता. ये होता है बेटा हेल्थ, आपका जीन थेरेपी, ठीक है. अब बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की. देखिए, यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स यू नो पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, अगर तुम चाहते हो, जैसे एडीए वाला किया था अभी हमने, एडिनोसिन डीएमएस की कमी उस बच्चे में हो गई थी, जीन थेरेपी दी हमने, तो ये आपको पता है कि अगर मैं इसी चीज़ को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर दिया होता इसको, तो बच्चा कितना ज़्यादा सेफ होता, बच्चे को कम्प्लीटली क्योर मिल जाता. तो अगर अर्ली स्टेज पे मुझे पता चल जाए किसी बीमारी का, तो मैं ठीक कर सकती हूँ उसे यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस. जैसे कि डायग्नोसिस कैसे कर सकते बेटा, आपकी ऐसी कोई चीज़ें होती, बीमारी होती, तो आपका बॉडी फ्लूड जो होता है, जैसे यूरिन होता है, यूरिन टेस्ट करते हैं, सीरम टेस्ट करते हैं, सीरम टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके ही आपका पता लगा सकते हैं, इसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भाई तुम्हें बीमारी है भी नहीं, है भी या नहीं भी, यूरिन टेस्ट करते हैं. तो अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना. अगर मैं इस यूरिन एनालिसिस करूँ या फिर नॉर्मल जो सीरम एनालिसिस करूँ, जो नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ डिटेक्शन के लिए, तो यहाँ पर जो अर्ली स्टेजेस के ऊपर मैं इन सब चीज़ों से पता नहीं लगा सकती कि बच्चे में ये डिफेक्टिव जीन है या नहीं, चलो इसका यूरिन टेस्ट कर देते हैं, ऐसा
नहीं पता चलता अर्ली स्टेजेस में. तो अर्ली स्टेजेस में क्या कर सकते हैं बेटा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिजा आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस. अगर मुझे किसी बीमारी का शुरू स्टेज पर पता चल जाए तो मैं उसको क्योर कर सकती हूँ. और शुरू स्टेज पर पता बेटा मेरे को कैसे लग सकता है, तीन चीजों से. मैं बेटा यहाँ पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म कर सकती हूँ, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है बेटा जी. मैं वहां पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अलावा मैं अगर पीसीआर करूं तो भी मुझे अर्ली डायग्नोसिस मिल सकता है. एंड 6 o'clock, हाँ, तो अर्ली डायग्नोसिस मिल सकता है. एंड पीसीआर के अलावा मैं एलिजा, एलिजा जो होता है, एलिजा किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है. एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे क्या बोल दिया मैडम, लड़की का कैसे याद दिला दिया हमें. तीन चीजों से बेटा जी हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, किसी बीमारी का असली पता चल जाए मुझे कम, मतलब पहले ही, तो ठीक हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया वायरस होता है इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम. आपको पता है कि कोई पैथोजन बैक्टीरिया वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा तो उसका कैसे पता चलेगा आपको, जब उसके सिम्टम्स आएंगे आपके अंदर, सिम्टम्स आएंगे, हो सकता है आपको जुकाम बुखार कुछ तो हो, कुछ तो सिम्टम आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ठीक है बैक्टीरिया वायरस ने मुझे इन्फेक्ट किया है. बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी. भाई जब तुम्हें पता चलने लगेगा, जब तुम्हारे सिम्टम आने लगेंगे, तब तक तो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस तो मतलब झूम चुके होंगे, नंबर बढ़ा चुके होंगे अपना. हाउएवर वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट इवन विजिबल कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर. क्या हो कि अगर मान लो मुझे पता चल जाए कि तुम्हें आगने वाले 2 से 3 दिन में जुकाम या बुखार होने वाला है, तुम्हें कोई किसी बैक्टीरिया ने या किसी वायरस तुम्हें कोई इन्फेक्ट करने वाला है, मुझे पता चल जाए. कैसे पता चलेगा, जो थोड़े बहुत जो अर्ली सिम्टम आते हैं ना, हल्के हल्के जो अर्ली सिम्टम तुम्हें लगने लगता है अंदर से, मैं उसी स्टेज पर क्या करूंगी, तुम्हारी बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस का जो जीन गया है, बैक्टीरिया वायरस जो गया है, उसको पीसीआर की हेल्प से डायग्नोस कर लूंगी, अर्ली डायग्नोसिस करके तुम्हें उसी टाइम ही ट्रीटमेंट दे दूंगी, तो ठीक है ना, मेरा काम आगे तक जाएगा ही नहीं, मैं बीमार होंगी नहीं, मुझे 4-5 दिन छुट्टी लेनी ही नहीं पड़ेगी, मुझे सिंपल सी बात है मैं पढ़ाई भी आराम से कर पाऊंगी, ठीक है. तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए, कैसे हमारा पीसीआर कर सकता है ये काम. सो पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट. देखिए एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स पॉजिटिव होना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. अगर एचआईवी पॉजिटिव इंसान है, अगर मैं पहचानना चाहती हूँ, डिटेक्ट करना चाहती हूँ उसमें एचआईवी को, तो मैं पीसीआर का इस्तेमाल कर सकती हूँ. इट सवाल आ सकता है यहाँ से, प्लीज अंडरलाइन दिस, इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू. अगर मान लो तुम ऐसे पेशेंट हो कि तुम्हें इन फ्यूचर कैंसर होने वाला है या कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर कब होता है, कैंसर वाली जीन तो हम सब में है ना, लेकिन सब में एक्टिव नहीं है ना, वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है. अगर मैं उस प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दूं, मतलब एक्टिव ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर दूं, तभी तो कैंसर होगा ना, तो मैं पहले ही डिटेक्ट कर लूंगी कि मेरे अंदर कैंसर होने वाला है ना, तो मैं म्यूटेशन मतलब देखिए कैंसर म्यूटेशन की हेल्प से भी तो होता है ना, म्यूटेशन की वजह से भी होता है, तो मैं पहले डिटेक्ट कर लूंगी. तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है जिसमें मैं जेनेटिक डिसऑर्डर को भी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ. अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल. डीएनए या आरएनए का मैं एक सिंगल स्टैंड लूंगी, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यानी जिसको मैं बोलती हूँ प्रोब, उससे मैं एक्टिव करूंगी. इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी. तो बेसिकली यहाँ पर पीसीआर में बेटा ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए हम डिटेक्शन कर सकते हैं. द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. जो जीन म्यूटेशन जिसका हो गया होगा आपकी बॉडी में, जिस जीन का म्यूटेशन हो गया है, वो फोटोग्राफिक फिल्म में कभी भी आपको दिखेगा नहीं, और जिसका नहीं हुआ वो आपको दिखता रहेगा. बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन. जो आपने प्रोब यहाँ पर ऐड किया है, वो प्रोब आपने किसके लिए ऐड करा है, ये जो डीएनए सेगमेंट था, ये जो आरएनए सेगमेंट था, इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री आपने डाला था ना. अब इसमें से कोई अचानक से म्यूटेशन लिया, अचानक से अपना रूप बदल लिया, तो आपको थोड़ी ना पता था कि रूप बदल लेगा ये अचानक से, तो रूप आपको नहीं पता था कि बदल लेगा, तो ठीक है. तो उस जगह पर आपको पता है कि प्रोब वहां पर अटैच नहीं होगा. लेट्स सपोज इस एरिया में म्यूटेशन हो गया, जीन का सीक्वेंस बदल गया, तो आपको थोड़ा ना पता था कि सीक्वेंस बदल गया है तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा. तो जब सीक्वेंस बदल चुका है, तो क्या ये प्रोब इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बनके बॉन्ड बना पाएगा, नहीं ना. तो अगर प्रोब बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, तो यहां पर क्या मुझे कुछ भी रेड लाइट या कोई भी लाइट दिखेगी, किसी भी तरीके से मैं डिटेक्ट कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी. तो ये प्रोब ही इसके साथ में एक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए म्यूटेड जीन के साथ में प्रोब कभी जुड़ता नहीं है. और जो नॉन म्यूटेड जीन्स होती हैं, नॉर्मल जीन्स होती हैं,
उनके साथ में प्रॉप बॉन्डिंग बना लेता है. एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन के ऊपर एलिजा काम करता है. बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइजिंग अगेंस्ट द पैथोजन. भाई देखिए एलिजा कैसे अर्ली डायग्नोसिस कर रहा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर कि तुम्हारी बॉडी में कोई एंटीजन गया, बैक्टीरिया वायरस ये जो होते हैं पैथोजेंस उनको हम एंटीजेंस ही बोलते हैं, अगर तुम्हारी बॉडी में चला गया है एंटीजन, उस एंटीजन के खिलाफ तुम्हारी बॉडी बना रही होंगी बहुत सारी एंटीबॉडीज. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये एंटीजन आपकी एंटीबॉडी के साथ में अटैच होगा एंड रिएक्शन करेगा, उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड ही होता है आपका एलिजा. ठीक है, तो एलिजा आपका काम कर रहा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज यहाँ पर हो जाती है. देखिए तो ये हो चुका है बेटा हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ लेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं. वही होते हैं बेटा, अगर मैं एक एनिमल का मेन डीएनए के अंदर में अगर कुछ चेंजेस कर दूं या मैं अपना जो डिजायर्ड जीन था या डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट था अगर वो डाल दूं, वो ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाएगा. मतलब जैसा मैं चाहती थी वो वैसा बन जाएगा, वो चीज मतलब फॉरेन डीएनए डालने से या डिजायर्ड डीएनए डालने से मुझे वही प्रोटीन बना के देगा जो प्रोटीन मैं चाहती थी. तो यही होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स. और ट्रांसजेनिक एनिमल्स में देखिए ट्रांसजेनिक रैट चूहे बहुत है, रैबिट है, पिग है, शिप है, काउ, फिश, ये बहुत सारे प्रोड्यूस कर दिए गए हैं. 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक जितने भी बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स निकाले गए हैं 95% कौन है, चूहे ही है. चूहे का इस्तेमाल बेटा हम बहुत करते हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर. ये भी देखते हैं कि भाई कोई भी मेडिसिनल कोई भी चीज होती है, मेडिसिन होती है, हम उसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं तो पहले हम ट्रायल बेसिस पे भेजते हैं. क्लिनिकल ट्रायल पे भेजे बिना अपन कभी भी किसी प्रोडक्ट को कमर्शियली नहीं भेज सकते, राइट. तो क्लिनिकल ट्रायल कहाँ लिया जाता है, चूहों में लिया जाता है, क्योंकि चूहे ही है हमारे पास में क्या ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ओके, सो ये सारी चीजें हैं. इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना. एथिकल इश्यूज में आपको ये बात ध्यान रखनी है जीईएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये एब्रीवेशंस होते हैं जहां से सवाल आता ही आता है. ओके जी, ये छोटी मोटी एसएसटी है जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ लेंगे आप. ठीक है, चलिए. और ये डेटा आपको याद रखना है कि 2 लाख से वेराइटी, 2 लाख से ज्यादा वेराइटी है हमारे इंडिया में राइस की. ओके, बासमती राइस जो होता है वो डिस्टिंक्ट है अपने यूनिक अरोमा और फ्लेवर से. बासमती राइस कभी बना के देखना कितनी अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर कितना बढ़िया होता है. वो 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी होती है बासमती के हमारे पास में जो इंडिया में उगाई गई है बासमती के लिए, राइट. 1997 के अंदर बेटा एक अमेरिकन कंपनी है जिसने बासमती राइस के ऊपर पेटेंट लिया था. पेटेंट का मतलब होता है कि भाई वो चीज हमारी है. अब ये चीज हमारी, अगर हमारी चीज को अगर कोई कॉपी पेस्ट करता है तो हम वहां पर कोई एथिकल इश्यूज जनरेट कर सकते हैं. पेटेंट का मतलब हो गया कि जो चीज मेरी है वो मेरी हो गई है अब, राइट. तो ये हो गया बेटा बासमती के बारे में. एंड यस, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना. फिर आता है बायोपायरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बायोपायरेसी एक टर्म होती है जिसको हम इसलिए रेफर करते हैं टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर अथॉरिजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनीज. ये बहुत सिंपल सी बात है कि मानो तुमने बैठकर नोट्स बनाए थे मेहनत लगा के, अब तुम्हारा फ्रेंड आता है और तुमसे नोट्स, मतलब तुम्हारे नोट्स उस अपने फ्रेंड को, तुम्हारे फ्रेंड को कहीं से मिल जाते हैं, उसकी कॉपी मिल जाती है और वो कॉपी पेस्ट कर देता है और वो कहता है कि ये नोट्स तो मैंने बनाए हैं, है ना, तो वो तो गलत हो जाएगा. तो वही बात है कि कोई चीज का पेटेंट अगर आपने करवा लिया है, अब कोई दूसरी कंट्रीज आती है, इंटरनेशनल कंट्रीज आती है, वो बताती कि ये अथॉरिटी तो हमारी है, ये हमने किया है, तो वहां पर बेटा उस चीज को हम बोलते हैं क्या, बायो पायरेसी बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पूरी की पूरी एसएसटी है यहाँ पर. ठीक है जी, सो यस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं. बीटी टॉक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा, लिखवा कर ले लीजिए. ह्यूमन इंसुलिन पे क्वेश्चन पक्का आएगा, क्राई जीन के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा. ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इसी के साथ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट. आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना क्लैरिटी के साथ में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पढ़ाएगा. आरएनए इंटरफेरेंस मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है. इंसुलिन का कैसे, इंसुलिन कैसे बनाया हमने, क्या क्या इसमें होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू नो
ये आपका जीन थेरेपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो बहुत हॉट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, तो इनको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर लास्ट के टाइम पे रिवीजन का टाइम ना मिले तो इनको तो एटलीस्ट रिवाइज करके जाना, क्योंकि ये रिवीजन मांगेगी तुमसे। ठीक है जी, सो इसी के साथ में दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी के साथ में हमारी क्लास 12th बायोलॉजी का बिल्कुल होता है समापन। बहुत प्यारे तरीके से हमें पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर ली है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको रिवीजन करना है तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, आप इसको फटाफट 2x पे लगा के 1x पे लगा के जैसे आपको देखना देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट एंड क्रिस्प के अंदर हमने पूरे पूरे चैप्टर्स को रिवाइज किया है, वो भी ऐसा नहीं कि भगा भगा के, बहुत आराम आराम से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। ओके, सो प्लीज शेयर जरूर करिएगा इस प्लेलिस्ट के लिंक को। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका PDF में लिंक आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट।